हेलो एवरीवन एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस डायरेक्शन के सेशन में। एम आई ऑडिबल एंड क्लियरली विजिबल टू एवरीवन? प्लीज लेट मी नो। एम आई ऑडिबल एंड क्लियरली विजिबल टू यू? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। एम आई ऑडिबल डियर? यस, ओके, चलिए, ओके, लेट्स अदर पीपल आल्सो ज्वाइन दिस सेशन। जितना हो सके आप लोग सभी बच्चों को शेयर कर दें, क्योंकि ये एक बहुत ही फैंटास्टिक सेशन होने वाला है। आप लोग बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करोगे, और आज तक ना कभी ऐसा सेशन आपने अटेंड किया होगा और ना ही अटेंड करोगे। ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीवन? बहुत ही मज़ा आएगा इस सेशन में। हम लोग डायरेक्शन टॉपिक को पूरे अच्छे तरीके से कंप्लीट करेंगे, हर चीजें आपको बताई जाएगी। ठीक है, सारे तरह के क्वेश्चंस भी यहां पे डिस्कस करेंगे, जितने भी पीवाईक्यूज पूछे जा सकते हैं, यूपीएससी के हो, एसएससी जेई के हो, गेट के हो, ईएससी के हो, सभी क्वेश्चंस आपसे वन शॉट में बन जाएगा। ठीक है, आप आज के बाद डायरेक्शंस के कोई भी क्वेश्चंस को आप विद इन वन या टू मिनट में सॉल्व कर दोगे, चाहे वो यूपीएससी का क्वेश्चंस हो, चाहे वो गेट का क्वेश्चन हो या ईएससी का क्वेश्चन हो। बस आपको ये क्लास 2 घंटे की होगी, 2 घंटे शांतिपूर्वक इस सेशंस को अटेंड करना है, और जितना मैं पढ़ाता हूँ उतने चीजों को आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? हाउ इज द जोश? तो जल्दी से आप लोग इस सेशन को शेयर कर दें अपने दोस्तों में भी, उसके बाद हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करेंगे 1 से 2 मिनट में, जल्दी से, जितना जल्दी हो सके। हाउ इज द जोश? हाउ इज द जोश? हाउ इज द जोश? चलिए स्टार्ट किया जाए। आप सभी बच्चों का कमेंट मुझे विजिबल नहीं है। यस सर, स्टार्ट करें। चलिए स्टार्ट किया जाए। सभी बच्चे एक बार कमेंट करके बता दें, उसके बाद हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करेंगे। जल्दी से बताओ। रौनक, रूपाली, स्नेहा, संतनु, देव, अब्राहम, श्वेता, जितने भी बच्चे प्रेजेंट हैं सभी बच्चे एक बार थम्स अप कर दूं, उसके बाद हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। चलिए तो स्टार्ट करने जा रहे हैं, और सच में आप बहुत ही इंजॉय करोगे इस सेशन को। तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं इस टॉपिक को। तो देख रहे हो, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हम लोग आज कौन सा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। आज हम लोग डायरेक्शन टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं, और ये स्पेशल क्लास में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। पूरा का पूरा डायरेक्शन टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट करवाया जाएगा। 2 घंटे में हम लोग पूरा डायरेक्शन पढ़ेंगे और अच्छे तरीके से इसको कम्प्लीट भी करेंगे। जो भी बच्चे गेट और ईएससी का एग्जामिनेशन में अपीयर होने वाले हैं, गेट एंड ईएससी 2021 में, तो उन सभी बच्चों के लिए ये सेशंस बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और साथ ही साथ आप कोई भी एग्ज़ाम देते हो, चाहे वो आपका स्टेट पीएससी हो या किसी भी इंजीनियरिंग से हटके भी कोई भी एग्ज़ाम अगर आप अपीयर करते हैं, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो या यूपीएससी हो, कोई भी एग्ज़ाम दोगे, अगर आपको रीजनिंग पूछा जाता है तो डायरेक्शन से क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है, तो इसीलिए इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लीजिए। ये टॉपिक आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। जब आप क्लॉक पढ़ते हैं तो क्लॉक में भी ये आपको हेल्प करेगा। मतलब आप कह सकते हैं कि मैक्सिमम जगह जो है लॉजिकल रीजनिंग में इसका यूज है डायरेक्शन टॉपिक का। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बच्चों। जैसा कि आप लोगों को पता है कि टोटल जो डायरेक्शंस होते हैं बच्चों, टोटल डायरेक्शंस कितने हैं, बेसिक्स डायरेक्शंस की अगर हम लोग बात करें तो टोटल बेसिक्स डायरेक्शन कितने होते हैं, तो 4 बेसिक्स डायरेक्शन होता है। कौन कौन सा 4 बेसिक डायरेक्शन होता है, तो इसको मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने बनाने जा रहा हूँ। देखो 4 डायरेक्शंस क्या क्या होता है, इसको ध्यानपूर्वक देखना। तो ये एक हो जाता है नॉर्थ, एक हो जाता है ईस्ट, एक हो जाता है साउथ, और एक हो जाता है वेस्ट। इज इट क्लियर? ये आपको 4 डायरेक्शंस दिख रहा है क्या सभी बच्चों को? ये 4 डायरेक्शंस क्या दिख पा रहा है? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? क्या सभी बच्चों को विजिबल है ये 4 डायरेक्शंस? आप लोगों को विजिबल है या नहीं है? क्या 4 डायरेक्शंस आप लोगों को विजिबल है या नहीं है? अगर आपसे पूछा जाएगा कि टोटल बेसिक्स डायरेक्शंस कितने होते हैं, तो बेसिक्स डायरेक्शंस 4 होते हैं। कौन कौन से बेसिक्स डायरेक्शंस हैं वो मैं आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ। तो एक आपका बेसिक्स डायरेक्शंस होता है नॉर्थ, उसके बाद ईस्ट और साउथ और वेस्ट। मतलब अगर ये हमारा नॉर्थ डायरेक्शन है, नॉर्थ डायरेक्शन है, तो ये हमारा ईस्ट डायरेक्शन होगा और ये हमारा साउथ डायरेक्शन होगा,
और ये हमारा वेस्ट डायरेक्शन होगा। इज इट क्लियर? तो टोटल जो बेसिक्स डायरेक्शंस होते हैं, चार बेसिक्स डायरेक्शन होते हैं और चारों डायरेक्शंस जो हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। जैसे आप ये कह सकते हो कि जैसे देखो, ये अगर आपका ईस्ट डायरेक्शन है तो ये वेस्ट डायरेक्शन इसके परपेंडिकुलर में होगा, ठीक है, और जो साउथ डायरेक्शन है वो ऐसा होगा, मतलब ठीक है। और देखो, मतलब सभी हम कह रहे हैं कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर भी है, कोई अपोजिट भी है। तो नॉर्थ साउथ एक दूसरे के क्या होता है, अपोजिट होता है। नॉर्थ डायरेक्शन और साउथ डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होता है। वेस्ट डायरेक्शन और ईस्ट डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो बच्चों, ये याद कैसे रखेंगे आप, ये याद कैसे रखेंगे नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट? तो आप लोग जानते हो, आप लोग पढ़ते हो न्यूज, आप लोग क्या पढ़ते हैं, न्यूज, NEWS, ठीक है। लेकिन हम लोग यहाँ क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं NEESW। आपको ध्यान रखना है, आज के बाद कभी भी डायरेक्शंस के क्वेश्चंस आते हैं तो आपके कॉपी में फर्स्ट क्या लिखा होना चाहिए, NEESW। तो जल्दी से सभी बच्चे एक बार कमेंट करें, क्या कमेंट करना है, NEESW। सभी बच्चों को मैं बोल रहा हूँ कि कमेंट आप करें NEESW। ये वर्ड्स को mark this word NEESW, mark this word NEESW। जब भी डायरेक्शंस के क्वेश्चंस आते हैं, देखो बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस टॉपिक को मैं एक्सप्लेन करूंगा। पहले आपको मैं सारा चीज पढ़ा देता हूं, उसके बाद हम क्वेश्चंस भी करेंगे, बहुत सारा क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवाने वाले हैं, बस आप ध्यान पूर्वक सुनते जाइएगा। तो आपको क्या करना है, चार डायरेक्शंस जो होते हैं कैसे याद रखना है, तो इसी ऑर्डर में याद रखना है NEESW। देखिए बच्चों, क्या है इसका इम्पोर्टेंस, ये इसका इम्पोर्टेंस बहुत ही ज्यादा है। मतलब क्या होता है, दो तरह के आप डायरेक्शंस जानते हो, एक जानते हो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एक मानते हो क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज बच्चों हम किसको बोलते हैं, जब ऐसे मूव करते हो, जैसे जैसा क्लॉक आपका मूव करता है अगर उसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर आप मूव करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और जैसे आपका क्लॉक चलता हो, अगर क्लॉक के डायरेक्शन में ही आप खुद ब खुद मूव कर रहे हैं तो क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज। तो देखिएगा, आपको ये हमेशा ध्यान रखना है, क्या वर्ड ध्यान रखना है जल्दी से बताइए, किस वर्ड को आपको ध्यान रखना है, NEESW। सभी बच्चे एक बार कमेंट करें, टोटल 20 स्टूडेंट सभी क्लास में प्रेजेंट हैं, जितने जल्दी हो सकता है आप लोग कमेंट करो NEESW। सभी बच्चे NEESW जल्दी से कमेंट करें। तो देखिए बच्चों, NEESW के बाद क्या होता है, हमेशा ध्यान आपको क्या रखना है कि नॉर्थ के बाद हमेशा ईस्ट आएगा, और ईस्ट के बाद हमेशा साउथ आएगा, और साउथ के बाद हमेशा वेस्ट आएगा, और वेस्ट के बाद हमेशा क्या आएगा, नॉर्थ आएगा। इसका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है, मतलब क्लॉक वाइज डायरेक्शन में, क्लॉक वाइज जब आप मूव कीजिएगा तो हमेशा नॉर्थ के बाद ईस्ट ही आएगा, हमेशा ईस्ट के बाद साउथ ही आएगा, और साउथ के बाद वेस्ट आएगा, और वेस्ट के बाद फिर से नॉर्थ आएगा। कहना क्या चाह रहे हैं बच्चों, हम कहना ये चाह रहे हैं कि देखिए आप, यहाँ पे ये नॉर्थ था, आपने क्या किया, क्लॉक वाइज मूव किया, आप ऐसे गए हो, नॉर्थ के बाद क्या आना चाहिए था, ईस्ट आना चाहिए था, ईस्ट के बाद क्या आना चाहिए था, साउथ आना चाहिए था, साउथ के बाद क्या आना चाहिए था, वेस्ट, तो वेस्ट आया, और वेस्ट के बाद नॉर्थ आया। तो यही चीज बार बार रिपीट होगा। अब देखो इसका इंपॉर्टेंस कहाँ है, ये अब आपको पता चलेगा। मान लीजिए ध्यान दीजिएगा आप लोग सभी स्टूडेंट्स ध्यान दें बिल्कुल अच्छे से। जैसे मान लीजिए कि मैं आपको चार डायरेक्शन दे देता हूँ, चार डायरेक्शन मैंने दे दिया है, और आपको हम ये बोल दिए हैं कि ये हमारा, बता दीजिए ये हमारा साउथ डायरेक्शन है। तो अब अगर मैं आपको बोलता हूँ कि बाकी जो तीन डायरेक्शन है उसको रिप्रेजेंट कीजिए, कौन डायरेक्शन कौन सा होगा, मतलब ये कौन सा होगा, तो जल्दी से बताओ, तो ये कौन सा डायरेक्शन होगा, जल्दी से, जितना जल्दी हो सकता है जल्दी से बताएं। अगर ये हमारा साउथ है, ये हमारा साउथ है बच्चों, तो ये डायरेक्शन कौन सा होगा, ये डायरेक्शन कौन सा होगा, अगर ये साउथ है तो ये डायरेक्शन कौन सा होने वाला है। तो देखिए सभी बच्चे बोल रहे हैं नॉर्थ, कैसे हो गया, आप तो याद रखे हो, अपोजिट होता है इसीलिए, अपोजिट होता है इसीलिए बता रहे हो, ठीक है। लेकिन अभी देखो हम आपको ट्रैप करेंगे, अभी हम आपको ट्रैप करेंगे, कैसे आपको क्या हम याद रखवाएं, आपको हमने याद करवाया है NEESW, आपको हमेशा ध्यान रखना है NEESW। तो साउथ के बाद बच्चों क्या आता, वेस्ट आता, तो वेस्ट आता, साउथ के बाद आपको यहाँ पे वेस्ट आएगा, तो वेस्ट लिखिए, उसके बाद वेस्ट के बाद नॉर्थ आएगा, और नॉर्थ के बाद ईस्ट आएगा, ठीक है बच्चों। देखो NEESW, ठीक है, अभी तो ये आसान था आपके लिए। अभी देखिए हम और कैसे आपको डिफिकल्ट क्वेश्चंस में बनाएंगे, डिफिकल्ट आपको कैसे बनाएंगे क्वेश्चंस को, तो हमेशा NEESW, देख रहे हो, यहाँ भी आपका ये क्या है, ये भी आपका भी क्या है, क्लॉक वाइज डायरेक्शन में देखो NEESW लिखा हुआ है या नहीं है। तो जब भी डायरेक्शंस के क्वेश्चंस आते हैं, तो हमेशा आपको ध्यान रखना है NEESW, मूल मंत्र है ये, मूल मंत्र है। अगर ये ध्यान रखोगे, दो कंसेप्ट पढ़ाऊंगा डायरेक्शन में, दो कंसेप्ट से इस टॉपिक को आप उड़ा दोगे,
ठीक है, तो NESW एक तो याद रखना है बच्चों। अब देखिए क्या होता है कि हर डायरेक्शंस में टोटल 8 डायरेक्शंस आप डिफाइन कर सकते हैं। कैसे डिफाइन कर सकते हैं उसको मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं कि टोटल 8 डायरेक्शन आप किस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है, उसको हम आप अच्छे से आप लोगों को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो देखिएगा बच्चों आपका क्या होता है, ये जैसे नॉर्थ डायरेक्शन है, ये हमारा नॉर्थ डायरेक्शन है, तो नॉर्थ और ईस्ट के बीच का जो डायरेक्शन होता है, नॉर्थ और ईस्ट का जो डायरेक्शन होता है, जो आप इस डायरेक्शन को देख पा रहे हो, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं। उसी तरह से साउथ और ईस्ट के मिडिल में जो डायरेक्शन है उसको साउथ ईस्ट बोलेंगे, और साउथ वेस्ट बोलेंगे, नॉर्थ वेस्ट बोलेंगे। तो टोटल कितना डायरेक्शन हो गया, 8 डायरेक्शन हुआ या नहीं हुआ, टोटल जो 8 डायरेक्शन हुआ। बच्चों देखो आपको ये तो समझ में आ गया, लेकिन आप लोगों के मन में ये डाउट होता है कि सर हम इसको नॉर्थ ईस्ट ही क्यों बोल रहे हैं, हम इसको ईस्ट नॉर्थ क्यों नहीं बोलते हैं। मतलब आपके मन में डाउट आता है या नहीं आता है बताइए, सभी बच्चों के मन में ये तो डाउट आता होगा। रंजन सक्सेना, क्या आपके मन में डाउट आता है ये कि अगर सर ईस्ट नॉर्थ क्यों नहीं बोलते हैं, इसको नॉर्थ ईस्ट ही क्यों बोलते हैं, ठीक है। मतलब बहुत बच्चों के मन में यही डाउट आता होगा कि सर इसको नॉर्थ वेस्ट बोलते हैं, इसको वेस्ट नॉर्थ क्यों नहीं बोलते हैं, सर इसको साउथ वेस्ट बोलते हैं तो वेस्ट साउथ क्यों नहीं बोलते हैं, इसको ईस्ट साउथ ईस्ट बोलते हैं तो ईस्ट साउथ क्यों नहीं बोलते हैं। देखो जो बच्चे हमसे पहले पढ़ चुके हैं उन्हें तो डाउट नहीं आता होगा, और जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो ना उन्हें डाउट्स जरूर आता होगा। इसलिए क्योंकि देखिए हमेशा नॉर्थ डायरेक्शंस को हम प्राइमरी डायरेक्शंस लेके चलते हैं, नॉर्थ डायरेक्शंस को ही रिस्पेक्ट में सबको डिफाइन किया गया है, समझ में आया। नॉर्थ साउथ, जैसे आप मैग्नेटिक पोल जो होता है, मैग्नेटिक जो आपका कंपास होता है वो भी किस डायरेक्शन में आपका अलाइन होता है, हमेशा नॉर्थ। तो नॉर्थ को हम लोग क्या करेंगे, रेफरेंस ले लेते हैं, रेफरेंस लेके बाकी को हम डिफाइन किए हैं। तो नॉर्थ साउथ को आप रेफरेंस लेके सबको डिफाइन करते हो, तो इसीलिए इसको हम नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं, इसको साउथ ईस्ट बोलते हैं, इसको साउथ वेस्ट बोलते हैं, इसको नॉर्थ वेस्ट बोलते हैं। इज इट क्लियर, मजा आया क्या बताइए, अब समझ में आया। सर्वेइंग में होता है, हाँ सर्वेइंग में होता होगा, सिविल में होता होगा, हो सकता है। क्या मजा आया, ये समझ में आया सभी बच्चों को, ये क्रिस्टल क्लियर है क्या सभी बच्चों को, ये क्रिस्टल क्लियर है कि क्यों हम इसे नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं, क्यों हम इसे नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं, क्यों हम इसे साउथ ईस्ट बोलते हैं, क्यों हम इसे साउथ वेस्ट बोलते हैं, और क्यों इसको हम नॉर्थ वेस्ट बोलते हैं, ये सभी बच्चों को अच्छे से क्लियर हो गया है। इज इट क्लियर टू एवरीवन, मजा आ गया। देखो बच्चों अभी जो मैंने आपको सिखाया है ना, अभी देखो उसका यूज कैसे होगा और कितने अच्छे तरीके से हम क्वेश्चंस फ्रेम कर सकते हैं। अभी बस आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिएगा, देखिएगा बच्चों, देखिएगा और समझिएगा और फटाफट आंसर दीजिएगा। जो मैं पूछता हूँ उसका आंसर आप दीजिएगा, ठीक है, जो पूछा जाता है उसका आंसर फटाफट आपको देना है। जैसे मान लीजिए बच्चों, मान लीजिए कि मैं आपको क्या करता हूँ, आपको अपने कॉपी में जो भी बनाते हो उसका सॉल्यूशन सेंड करना है, तुरंत तैयार हो जाओ, बी रेडी क्विक, जितना जल्दी हो सकता है तैयार हो जाए आप लोग सभी बच्चे। तो जैसे मान लीजिए ये डायरेक्शंस दे दिया गया है, ये डायरेक्शंस आपको गिवन है, ठीक है। अगर इस डायरेक्शंस में हम आपको मान लेते हैं, इसको हम दे दिए हैं, इसको मैंने दे दिया है कौन सा नाम, इसको मैंने मान लो नॉर्थ वेस्ट दे दिया है, और आपसे मैं पूछ लिया हूं कि बताओ सभी डायरेक्शंस का नेमिंग करो, बाकी जितने भी डायरेक्शंस हैं, तो देखना मैं चाहता हूं कि कितने बच्चे सही सही नेमिंग कर रहे हैं, मैं देखना चाह रहा हूं कि कितने बच्चे सही सही नेमिंग कर पा रहे हैं। ये नॉर्थ वेस्ट हो गया, तो आपका कंसेप्ट एक ही यूज करना है, NESW। जल्दी से आप बनाओ और सॉल्यूशन सेंड करो, जल्दी से बनाइए और सॉल्यूशन सेंड कीजिए, अभी के अभी आप अपने मोबाइल से फोटो खींचिए और भेजिए मुझे क्या आंसर आया है इसका, क्या आंसर है, मैं देखना चाहता हूं कि आप सीखे हो या नहीं सीखे हो। आप सीखे हो बस 2 घंटे मुझे दे दो, 2 घंटे में आपको मैं जो इसका है पूरा कंसेप्ट पढ़ा दूंगा, सिर्फ मुझे 2 घंटे का टाइम चाहिए, ठीक है। जल्दी से बताइएगा, ये अगर आपका नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, यहाँ क्या होना चाहिए, इस पॉइंट पे क्या होगा, जल्दी से बताएं बच्चों, मैं आप लोगों के मैसेजेस का वेट कर रहा हूँ, जल्दी से सभी बच्चे आंसर दें, जितना जल्दी हो सकता है। जितना जल्दी हो सकता है जल्दी से आंसर दें। अभी तक किसी बच्चे का आंसर नहीं आया है, एक बच्चे का आंसर आ गया है, रंजन सक्सेना का आंसर आ गया है, बेहतरीन। देखिए रंजन सक्सेना ने आंसर किया है, बाकी और बच्चे जल्दी से बताओ, थोड़ा कोशिश करो इसको रोटेट करके आंसर सेंड करने का, ठीक है, रोटेट करके आंसर सेंड कीजिए, बेहतरीन। चलिए और भी बच्चे आंसर बताएं इसका, व्हाट इज द आंसर। अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि ये हमारा नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है,
अगर ये गिवन डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट है तो बाकी जो और डायरेक्शन है, सात डायरेक्शन, इसका नेमिंग क्या करेंगे और कैसे करेंगे ये मुझे बताना है। जल्दी से आप अपना सॉल्यूशन सेंड करें, मैं वेट कर रहा हूँ। चलो रूपाली का आंसर आया है, चलिए देखते हैं, चेक करते हैं। एक मिनट। देखो अभी मैं एक्सप्लेन भी करूंगा उसको कि सही है या गलत है। जल्दी से पहले आप लोग सेंड कर दें, उसके बाद हम एक्सप्लेन करेंगे। लैपटॉप में कर रहा हूं। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, चलिए अब हम इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हैं। अब देखना हम चाह रहे हैं कि रूपाली का आंसर सही है या गलत है, या पीयूष का जो आंसर है वो सही आया है या गलत है। देखो बच्चों, मैंने क्या पढ़ाया, जब भी डायरेक्शंस पढ़ते हो आपको एक ही चीज ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? NESW बच्चों। अगर मैं ये बोलता हूँ, मैंने इसको नॉर्थ वेस्ट दे दिया है, अगर मैंने इसका नेमिंग नॉर्थ वेस्ट किया था, आप लोग देख रहे हो ये नॉर्थ वेस्ट है, तो वेस्ट के बाद नॉर्थ आएगा ना बच्चों, वेस्ट के बाद नॉर्थ आएगा। इसका मतलब ये हमारा वेस्ट होगा, उसके बाद ईस्ट होगा। NESW देखो रूपाली का बिल्कुल सही है। तो ये क्या की है, नॉर्थ वेस्ट कर दी है, इसको नॉर्थ ईस्ट कर दी है, ये साउथ ईस्ट हो गया, साउथ वेस्ट हो गया। कितने बच्चों का सेम टू सेम आंसर आया था बताइए, जल्दी से बताइए कितने बच्चों का सेम टू सेम आंसर आया था। देखिए रंजन सक्सेना, आपका आंसर गलत है। चलिए बताइए किसका आंसर इससे मैच कर रहा है बताइए। बेहतरीन, मजा आ गया। कितने बच्चों का सेम टू सेम डिट्टो आंसर था बताओ, जल्दी से बताओ। देखो बस एक रूपाली का सही आया था, पीयूष याद ये रंजन सक्सेना का गलत था, मनीष वर्मा ने भी सेंड किया है। एक मिनट मनीष जी रुकिए आप, एक मिनट मैं चेक कर रहा हूँ। ठीक है, दत्ता दंगल ने भी सेंड किया है। एक मिनट सभी का आंसर देखा जाएगा, आप वेट करो, सबका हम आंसर वेरीफाई करेंगे। और अभी एक और दूसरा क्वेश्चन देंगे। ठीक है, आपको आज हम पूरा चीज सिखाएंगे। देखो ये बच्चा ने भी गलत, हाँ सही किया है ये NESW, बिल्कुल बढ़िया, बेहतरीन। अब देखिए इस बच्चे का आंसर, देखिए NESW, बहुत बेहतरीन, मतलब बस कुछ बच्चों ने नहीं सिखाया। तो एक और क्वेश्चन करेंगे क्या आप लोग, एक और क्वेश्चन कीजिएगा, जल्दी से बताइए। आर यू एक्साइटेड? चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं बच्चों, और वो क्वेश्चन सभी बच्चों का सही होना चाहिए। एक और क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं, और वो क्वेश्चन मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जितने भी बच्चे प्रेजेंट हैं सभी बच्चों का वो आंसर सही आना चाहिए। चलो देखो, बेहतरीन। ठीक है चलो, मुझे ये बताओ, अगर हमारा ये नॉर्थ डायरेक्शन है तो बाकी जो सात डायरेक्शन आपका नेमिंग मैंने नहीं किया है, जल्दी से नेमिंग करके मुझे बताएं। बाकी जो मैंने सात डायरेक्शन नेमिंग नहीं किया है तो जल्दी से बताओ। कंसेप्ट्स एक ही यूज करना है, NESW। एक अगर ये नॉर्थ डायरेक्शन है तो जल्दी से मुझे बताइएगा बाकी सारा डायरेक्शन क्या है, ये तो उससे भी आसान है। जल्दी से सभी बच्चों का आंसर सही आना चाहिए, जल्दी से सही आंसर बताओ। अभी NESW कंसेप्ट खत्म हुआ है, उसके बाद एक और मस्त बेहतरीन कंसेप्ट सिखाने वाले हैं, तो जल्दी से इसमें सारे डायरेक्शन का नेमिंग कीजिए, सभी डायरेक्शंस का नेमिंग कीजिए जल्दी से, जितना जल्दी हो सकता है। रौनक डन, अच्छा चलिए अगर आप डन कर लेते हो तो आप जो बच्चे लैपटॉप से देख रहे हैं आप मुझे व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं। ठीक है चलिए, मैं सभी एक्टिव रहता हूं। चलो देखो रूपाली का सबसे पहले आंसर आया है, उसके बाद मनीष वर्मा का भी है। पहले रुक जाओ, एक एक करके मैं सबका आंसर यहाँ पे पोस्ट करता हूँ, उसके बाद बस टॉप फाइव का देखा जाएगा, बाकी बच्चे सेंड नहीं करें। पांच बच्चों, तीन हो चुका है, चार, स्नेहा भी चार, चौथा आंसर स्नेहा का है। स्नेहा आपका आंसर नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा कोशिश करें अच्छे से फोटो खींचने का। ठीक है, और दत्ता दंगल, बस पाँच बच्चों का चेक होगा, रुक जाओ, बस पाँच बच्चों का। चलो तो हम स्टार्ट करते हैं रूपाली के आंसर से। देखिए बेहतरीन, नॉर्थ इसको इसने बोला है तो इसके परपेंडिकुलर, मतलब नॉर्थ है तो ये ईस्ट हो गया, ये साउथ हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये बच्ची सीख गई है, इसका बिल्कुल सही आंसर है। सेम टू सेम आंसर किसका भी आया होगा सही होगा। अब देखो ये नॉर्थ था, NESW, बहुत बेहतरीन, चलिए मजा आ गया। चलिए मनीष वर्मा ने भी सीख लिया है, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट के बाद साउथ, साउथ के बाद वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, हाँ बेहतरीन। रंजन सक्सेना, समझ में आया क्या? और ये किनका है? ये तो भाई गलत लग रहा है, आपने क्वेश्चन ही गलत लिखा है शायद। हाँ स्नेहा सिजारिया, आपने क्वेश्चन ही गलत लिखा है। तो एक बार मुझे कंफर्म कर दें कितने बच्चों को डायरेक्शन समझ में आ गया, कितने बच्चों को अभी तक मैंने जो पढ़ाया है
उतना चीज समझ में आ गया है। एक बार मार्क दिस वर्ड NESW, इस वर्ड को आप मार्क कर लो, यही वर्ड आपको काम में आएगा हमेशा। आकाश आपको क्लियर है या नहीं है जल्दी से बताइए। सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आया डायरेक्शन? क्या सभी बच्चों को ये क्लियर है कि कभी भी कोई डायरेक्शन अगर आपको दे दिया जाए, तो बाकी सारे डायरेक्शन आप पता कर सकते हैं या नहीं पता कर सकते हैं? तो हमेशा क्या याद रखना है बच्चों, हमेशा एक वर्ड ध्यान रखना है NESW, और हमेशा क्या होता है क्लॉकवाइज में नॉर्थ के बाद ईस्ट आता है, नॉर्थ के बाद आपका ईस्ट आता है, और ईस्ट के बाद हमेशा साउथ आता है, साउथ के बाद वेस्ट आएगा, और फिर वेस्ट के बाद क्या आएगा, नॉर्थ आएगा। इज इट क्लियर? सभी बच्चे मुझे कमेंट करके बताएं, जितने भी बच्चे प्रेजेंट हैं सभी बच्चों से मैं इसका आंसर जानना चाहता हूं। सभी बच्चों को मैं बोल रहा हूं क्या ये क्लियर हुआ, ये कॉन्सेप्ट मजा आया, बेहतरीन कॉन्सेप्ट है या नहीं है बताइए, मजा आया, क्लियर हुआ बताओ, क्लियर है या नहीं है। अब देखो एक और कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूं, और बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ना आज तक आप पढ़े होंगे कभी और ना पढ़िएगा कभी, ठीक है। तो इसीलिए अभी जो पढ़ा रहा हूँ ध्यान पूर्वक सुनना, ठीक है। सभी बच्चे ध्यान पूर्वक सुनिएगा। आप लोग जैसे मान लो कि मैं बोलता हूँ कि तुम जो है, जैसे देखिए यहाँ पर कितने बच्चे बिहार से हैं, कितने बच्चे बिहार और यूपी से हैं बताओ, कितने बच्चे बिहार यूपी से हो जल्दी से बताओ, मैक्सिमम बच्चे बिहार यूपी से होंगे। तो बच्चों आपको जैसे बोला जाता है, आपसे ये पूछा जाता है कि बताइए इसका घर किधर है, तो आपको बोल दोगे कि बाएं जाना, बाएं जाके दाएं चल जाना, दाएं जाके राइट टर्न ले लेना, मतलब ऐसा बोला जाता है। तो आप समझ पाते हो क्या? नहीं समझ पाते हो। मतलब बोला जाता है कि इधर से राइट जाना, राइट के बाद लेफ्ट जाना, लेफ्ट के बाद राइट जाना, ऐसा बोला जाता है। तो आप क्या करते हैं, क्या कि आप अपने हाथ को, ये हाथ को बोलते हो कि ये मेरा राइट है। तो जैसे आप थोड़ा दूर गए, फिर उसके बाद मान लीजिए कि आपने थोड़ा दूर गया यहाँ से यहाँ तक, उसके बाद अपने हाथ को देखते हो कि इधर मेरा राइट है, इधर राइट है, चलो इधर टर्न ले लेते हैं, तो इधर टर्न ले लेते हो। फिर अब जब यहाँ पे चले जाते हो तो ऐसे हो, फिर बोलोगे इधर राइट है, तो चलो इधर टर्न ले लेते हैं। बात आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा? ये तो सर्कस हो गया भाई, कि मतलब अपने आप को आप एज्यूम करते हैं कि आप हैं कहाँ, और उसके हाथ के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग आप अपना राइट लेफ्ट डिसाइड करते हैं। आज तक तो यही करते हो कि राइट लेफ्ट जब भी आपको पता करना होता है तो आप वैसे ही करते हैं, राइट लेफ्ट डायरेक्शन। जैसे क्वेश्चंस में भी आप बनाते हैं, क्वेश्चंस जब आप सॉल्व करते हैं तो आप क्या करते हैं, अपने आप को वहां एज्यूम करते हैं। क्वेश्चंस में बोला जाएगा अगर ए ए ए मूव्स राइट, तो आप क्या करोगे, आप वहां सोचोगे कि हम ए हैं और हम ऐसा मूव करेंगे। क्या बताइए सभी बच्चों, क्या आप ऐसे ही बनाते थे ना? अगर आप मेरे से पहले नहीं पढ़े हैं तो आप ऐसे ही सॉल्व करते होंगे, जल्दी से बताइए। सभी बच्चे ऐसे ही सॉल्व करते होंगे। हाँ, कन्फ्यूज हो जाते हैं आगे बढ़ के, बताइए सभी बच्चे ऐसे ही सॉल्व करते थे? हाँ, अब तक ऐसे ही सॉल्व करते हैं। तो आज के बाद वैसा सॉल्व नहीं करना है, आज के बाद वो सब चीज भूल जाना है, ठीक है। जो भी पढ़े हो आज के बाद भूल जाना है, आज के बाद एक ही कंसेप्ट याद रखना है। और किनका कंसेप्ट? अमन राज का खुद का कंसेप्ट, ठीक है। क्या है कंसेप्ट? वो कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट है LR कंसेप्ट। सभी बच्चे कॉपी में पहले, अभी नोट मत कीजिएगा, पहले समझिएगा, ठीक है। डायरेक्शंस में एक ही चीज बच्चा ध्यान रखना, डायरेक्शंस में हमेशा जो भी चीज हम पढ़ा रहे हैं क्लॉकवाइज से ही सारा रूल हम बनाए हुए हैं, रौनक ने क्या बोला है, बाएं जाके दाएं जाना, फिर सीधा जाके कच्ची गलियां से गुजर के दो और पीपल के पेड़ के पास उनका घर आपको मिल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए तो अब हम देखिए LR कंसेप्ट, ये किनके द्वारा दिया गया है? ये कंसेप्ट मेरे द्वारा डेवलप किया गया है, ठीक है। ये जो कंसेप्ट है ये मेरा खुद का कंसेप्ट है। तो LR कंसेप्ट समझते हैं क्या होता है। बच्चों आपने क्या पढ़ा? आपने पढ़ा चार डायरेक्शंस। बच्चों कैसा कैसा चार डायरेक्शन होता है? तो देखो चार डायरेक्शंस जो आप देखते हो, चार डायरेक्शंस आपका कुछ इस तरह का दिखता है, आपको, तो आप बोलते हो इसको नॉर्थ बोल देते हो, इसको क्या बोलते हो, ईस्ट बोल देते हो, इसको साउथ बोल देते हो, और इसको वेस्ट बोल देते हो। बोलते हो या नहीं बोलते हो बच्चों? बोलो ना, ऐसा बोलते हो ना? अब देखो क्या करना है, कुछ भी नहीं, क्या करना है,
कि जितने भी लाइन दिख रहे हैं ना सब पे परपेंडिकुलर एक लाइन बना दो, सब पे परपेंडिकुलर एक लाइन बना दो ऐसा ऐसा, ठीक है। और क्या लिख दो, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एल आर लिख दो, एल आर एल आर, वही हो गया एल आर कंसेप्ट। आपको सोचना ही नहीं है कि क्या लेफ्ट होगा किधर राइट होगा। एक बार सभी बच्चे बोलिए वाह वाह, मजा आया या नहीं आया। मतलब अगर आप नॉर्थ में खड़ा है तो आपके लिए लेफ्ट इधर हो गया, राइट इधर हो गया। सोचना ही नहीं है बच्चा, सोचना ही नहीं है। हमेशा जब भी डायरेक्शन है एल आर लिख दीजिए, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा किधर राइट किधर लेफ्ट। आपको वहां जाने की जरूरत ही नहीं है, अपने आप को एज्यूम करने की जरूरत ही नहीं है। देखिएगा क्वेश्चन कितना आसान हो जाएगा, देखिएगा क्वेश्चन कितना आसान हो जाएगा। बस ध्यान ये रखना है, बस ध्यान ये रखना है कि ये जो पॉइंट है ना, पॉइंट से सारे डायरेक्शन डाइवर्जिंग नेचर के हैं। डाइवर्जिंग कहने का मतलब सब दूर जा रहे हैं, देख रहे हो, मतलब सब एक पॉइंट से अलग हो रहा है, ठीक है। अगर कन्वर्ज करेगा, अगर सारे पॉइंट्स कन्वर्ज करेंगे एक जगह जाएंगे तो एल आर का उल्टा हो जाता है आर एल। एल आर का उल्टा क्या लिखोगे, आर एल कंसेप्ट। इज इट क्लियर। अगर पॉइंट जो है मान लीजिए डायरेक्शन आपका ऐसा हो गया, सभी डायरेक्शन ऐसे हो गए, ठीक है। अगर कभी कभी राउंड टेबल में दे दिया जाएगा, अब लेफ्ट राइट करना होगा तो अभी भी हम क्लॉकवाइज ही घूमेंगे, बस आर एल कंसेप्ट हो जाता है। एल आर को हटके क्या बन जाएगा, वो आर एल कंसेप्ट बन जाएगा। मतलब ये हमारा आर एल हो गया, ये भी हमारा आर एल हो गया, ये भी हमारा आर एल हो गया, ये भी हमारा आर एल हो गया। बच्चों ये कहाँ पे हेल्प करेगा आपको पता है, ये जब आप सिटिंग अरेंजमेंट पढ़िएगा ना तो सिटिंग अरेंजमेंट में ये बहुत ही बेहतरीन है। मतलब जब आप सर्कुलर अरेंज में बोलते हो और बोला जाएगा कि रौनक जो है सीता के बगल में नहीं बैठेगा, रौनक जो है गीता के बगल में बैठेगा, मतलब गीता उसकी राइट में है, तो यही सब चीजों को आप सॉल्व कीजिएगा यही कंसेप्ट से, एल आर कंसेप्ट से, ठीक है। समझ में आया या नहीं आया, तो सिटिंग अरेंजमेंट में जो है ये बहुत ही ज्यादा आप लोगों को हेल्पफुल होगा, एल आर कंसेप्ट और आर एल कंसेप्ट। कितने बच्चों को समझ में आया एल आर और आर एल बताओ। नहीं समझ में आया तो देखना इसका इंपॉर्टेंस हम क्वेश्चन से आपको समझाएंगे कि क्वेश्चन से में कैसे इसका इंपॉर्टेंस है। पहले बताइए इज इट क्लियर टू एवरीवन, एल आर कंसेप्ट एंड आर एल कंसेप्ट, एल आर कंसेप्ट एंड आर एल कंसेप्ट, इज इट क्लियर टू एवरीवन कि व्हाट इज एल आर कंसेप्ट। एल आर कंसेप्ट होता है लेफ्ट राइट डिसाइड करने के लिए, कि किधर लेफ्ट होता है किधर राइट होता है, अगर वो डिसाइड करना है तो हम एल आर कंसेप्ट को पढ़ते हैं। जो भी बच्चे लेट ज्वाइन किए हैं क्या मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है बच्चों? अगर जो भी बच्चे लेट ज्वाइन किए हो क्या क्लियर हो रहा है आप लोगों को, जल्दी से बताइएगा क्या आप लोगों को क्लियर हो रहा है। देखो ये सेशंस आप जितने दोस्तों में हो दुश्मन में हो सबको शेयर करो, ठीक है, सब पढ़ेगा सब बढ़ेगा। चलिए जल्दी से बताइए क्या ये क्लियर है सभी बच्चों को, सभी बच्चों को ये क्लियर है, ठीक है, सभी बच्चों को ये क्लियर है या नहीं है, जल्दी से बताएं सभी बच्चों को क्या क्लियर है। एल आर कंसेप्ट और आर एल कंसेप्ट, एल आर कंसेप्ट और आर एल कंसेप्ट क्या बेहतरीन बेहतरीन समझ में आया। आकाश, पीयूष और रंजन, अनामिका, रौनक, जितने भी बच्चे प्रेजेंट हो, जितने बच्चों को मैं जानता हूँ, ठीक है, और जो बच्चों को मैं नहीं जानता हूँ सभी बच्चे बताइएगा मुझे कि क्या आप लोगों को ये सारा चीज समझ में आया है। समझ में आया है तो भाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से अभी हम और भी चीजों को पढ़ेंगे, और भी चीजों को पढ़ेंगे। तो जल्दी से आप क्या करें ये डायग्राम अपने कॉपी में बनाएं और मुझे लेफ्ट राइट लिख के बताएं कि किधर लेफ्ट है किधर राइट है। जल्दी से बताइए, इस डायरेक्शंस को बनाइए और आप अपने कॉपी में मुझे लिख के बताइए कि कहाँ लेफ्ट होगा किधर राइट होगा, लेफ्ट राइट सब पे दिखाइए जल्दी से। और अब आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लें, नोट करना चाहते हो तो जल्दी से नोट कर लो, ठीक है। अब हम क्वेश्चंस करेंगे, दो तीन क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद फिर नए कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे, ठीक है। दो तीन क्वेश्चंस करेंगे उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चंस को करेंगे।
सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, थोड़ा क्या हो गया था मतलब अर्जेंट कॉल आ गया था, ठीक है। तो क्या ये क्लियर हुआ आप लोगों को, क्या सभी बच्चों को समझ में आया, यहाँ तक आप लोगों ने बना लिया है? हाँ, इज इट क्लियर टू एवरीवन, जल्दी से बताइएगा क्या सभी बच्चों को समझ में आया। अब देखिए पीयूष यादव ने उसको सेंड किया है सॉल्यूशन, पीयूष यादव का मैं एक बार सॉल्यूशन चेक कर देता हूँ कि उन्होंने जो सेंड किया है क्या सही है, क्या सही है, और आप लोग वेरीफाई कर दीजिएगा कि आप लोगों ने भी ऐसे ही बनाया। बेहतरीन बेहतरीन, देखिए बेहतरीन, क्या मजा आ गया, मजा आ गया। देखो क्या है, इस बच्चे ने क्या किया, नॉर्थ था, ईस्ट था, साउथ था, वेस्ट था, कुछ भी नहीं करना है, एलआर लिख लेना है, एलआर 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 एलआर, मजा आ गया, मजा आ गया। तो सभी बच्चे इसी तरह से अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। और अब हम एक क्वेश्चंस कर रहे हैं, क्वेश्चंस के थ्रू आपको इम्पोर्टेंस पता चलेगा कि ये जो मैंने पढ़ाया है वो आपके लाइफ में कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये भी बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। अब मैं देखना चाहता हूँ कि कितने बच्चे इस क्वेश्चंस को सही सही सॉल्व करते हैं। योर टाइम्स स्टार्ट्स नाउ, एक मिनट में सॉल्व करना है, जितना जल्दी हो सकता है सॉल्व करें। योर टाइम्स स्टार्ट्स नाउ, ठीक है, योर टाइम्स स्टार्ट्स नाउ। जल्दी से बताओ, जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं इसका, एक मिनट। हाँ सही है, पोल मैंने कर दिया है, पोल मैंने कर दिया है, जल्दी से जितना जल्दी हो सकता है आंसर करें, जितना जल्दी हो सकता है आंसर करें। पहला क्वेश्चन है इसीलिए मैं आपको दो मिनट टाइम दे रहा हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन है इसीलिए दो मिनट टाइम दे रहा हूँ। आराम से बनाओ, आराम से बनाओ, पहला क्वेश्चन है इसीलिए दो मिनट टाइम दिया जा रहा है, जल्दी से बनाइएगा। बेहतरीन क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। अभी हम दो क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद और चीजों को सीखेंगे। देखिए अरहम हुसैन, चलिए बहुत बढ़िया, रूपाली और देव, तीन बच्चों ने सही सही सॉल्व किया है, मजा आ गया। स्नेहा ने भी सॉल्व कर लिया है, ठीक है, कुछ बच्चों ने गलत भी बनाया है, कुछ बच्चों का गलत आंसर भी आया है। चलिए कुमुद कांत ने भी सॉल्व कर लिया है, ठीक है, कुमुद कांत ने भी सॉल्व कर लिया है, बहुत बढ़िया। चलिए विशाखा ने भी सॉल्व किया है, मनीष वर्मा भी सॉल्व कर चुके हैं, चलिए चलिए बहुत बढ़िया। रौनक ने भी बना लिया है, लेकिन चलो रौनक अभी पीछे है, आज कोशिश करो आप लोग कि रौनक को आज टॉप नहीं करना है, आज आप लोग टॉप करो। शांतनु दास ने भी बनाया है, चलो बेहतरीन बेहतरीन। आकाश, पीयूष और रंजन, आप लोगों से क्वेश्चंस क्यों नहीं बन रहे हैं, इतने आसान क्वेश्चंस हैं, अभी भी 40 seconds है, 40 seconds, ट्राई करो, ट्राई 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 दिस। शांतनु दास 30 seconds, जल्दी से सॉल्व कीजिए। दत्ता धनगल, काफी आसान क्वेश्चन है बच्चों, काफी आसान क्वेश्चन है, काफी आसान क्वेश्चन है, काफी आसान क्वेश्चन है ये, तो देखो ट्राई करो। मतलब हम खुश नहीं है, हम खुश नहीं है, मोगैम्बो खुश नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि इतने कम ही बच्चों से बनाए, 9 बच्चों से बनाए। तो पहले सीखो कहाँ पे आप लोगों का मिस्टेक था और मुझे बताइएगा कि क्या आपने मिस्टेक किया है। पहले हम बच्चों क्या करेंगे, चार डायरेक्शंस बनाएंगे, चार डायरेक्शंस मैंने बना लिया है, ठीक है, चलिए चार डायरेक्शंस हम बना लेते हैं, ठीक है, या छोड़ो चार डायरेक्शंस मन है तो बना लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो ये मैंने बना लिया, अब क्या बोला गया है, ए पर्सन इनिशियली फेसेस साउथ, तो किधर फेस करेगा बताओ, तो बताओ मुझे बच्चे लोग, किधर फेस कर रहा होगा, मतलब इधर फेस कर रहा होगा क्या, मतलब ब्लू कलर से दिखा रहा हूँ, क्या ये इधर फेस कर रहा होगा, बताओ बताओ, रंजन पीयूष आप लोग बताओ, आकाश ये बताओ, इधर फेस कर रहा है, मतलब ये हमारा नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, क्या ये पहला स्टेप किए थे सही, फ्रॉम दिस पॉइंट ही टर्न्स 135 degrees इन एंटी क्लॉक वाइज, तो एंटी क्लॉक वाइज मतलब ऐसा, तो ये तो होता है 90 degrees, और 90 90 180 हो जाएगा, मतलब ये अब ऐसा चला गया, इधर चला गया, तो यहाँ पे अब उसका डायरेक्शंस जो है बच्चा, अब ये डायरेक्शंस यहाँ पे है, ठीक है, अब ये इसका डायरेक्शंस यहाँ पे है, अब ये बच्चा यहाँ पे पहुंच चुका है। अब बोला जाता है कि यहाँ तक हो गया एंटी क्लॉक वाइज, एंड फ्रॉम ही टर्न्स 180 degrees इन क्लॉक वाइज, अब क्लॉक वाइज में 180 घूम जाएगा, तो 180 मतलब क्या होता है, जस्ट अपोजिट, जस्ट अपोजिट मतलब वो जो है ऐसा आ जाता है, वो जस्ट इसके अपोजिट आ गया, तो इस तरह से आ गया। ये डायरेक्शन कौन सा है बच्चा, ये डायरेक्शन कौन सा है बताओ, तो ये क्या साउथ वेस्ट है बताओ, क्या गलती आप लोग किए थे, जिस भी बच्चों का ये गलत बना है आप लोगों ने क्या मिस्टेक किया था, आप लोगों ने क्या मिस्टेक किया है मुझे बताइएगा, व्हाट हैव यू डन द मिस्टेक इन दिस प्रॉब्लम। सभी बच्चे मुझे जरूर देखो, जब तक आप टीचर से इंटरेक्ट नहीं करोगे, बताओगे नहीं, तब तक सीखोगे नहीं, इसीलिए क्योंकि आपसे फिर गलत हो जाएगा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा, तो आप बताएं मुझे कि क्या आपने गलती किया है, लिखने में गलती हुआ सर, ठीक है,
पीयूष आपने क्या गलती किया है, सभी क्लॉकवाइज लिया था। अरे भाई आंख में चश्मा लगाओ दत्ता दंगल, चश्मा लगाओ। आकाश आपने क्या गलती किया है, मतलब गलती क्या हो रहा है, समझ में आया क्या ये सभी बच्चों को, सभी बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आया क्या, सभी बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आया, जल्दी से बताइएगा। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर, जल्दी से बताइए, इज इट क्लियर। यस यस यस, मजा नहीं आया भाई, मजा नहीं आया, सब कमेंट नहीं करते हो, मजा नहीं आता है मुझे, ठीक है। सब फ्री का सिनेमा देखना चाहता है, फ्री में मूवी देखना चाहता है, कमेंट भी नहीं करता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चंस एक बार आप सॉल्व करें, ये नेक्स्ट क्वेश्चंस है, इसको सॉल्व करके बताएं क्या आंसर आ रहा है, ठीक है। इसको बनाइएगा, इस क्वेश्चंस को बनाइएगा, इस क्वेश्चंस को बनाइएगा, जल्दी से इस क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए और आंसर मुझे बताइए। आप अपना सॉल्यूशन सेंड कीजिए क्या आंसर आ रहा है, जल्दी से। क्वेश्चंस का जो डिफिकल्टी लेवल है ये इंक्रीज होता जाएगा, क्वेश्चंस का डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज होता जाएगा, तो बताइए इसका आंसर। क्या आंसर आ रहा है बच्चों, इस क्वेश्चन का क्या आंसर आ रहा है, सॉल्व हुआ या नहीं हुआ, जल्दी से बताइए क्या सॉल्व हो पाया है ये क्वेश्चन। जल्दी से बताएं, 10 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, अच्छा अच्छा, देखते हैं देखते हैं। और कोई बच्चा, और सभी बच्चे बताइए। देखिए सुनील कुमार ने ज्वाइन किया है, कुलदीप मीना, जल्दी से आंसर बताओ इसका, अभी भी टाइम है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप लोगों में अभी तक किसी का आंसर सही नहीं आया है। 10 किलोमीटर, अच्छा देखते हैं समझते हैं, चलो चलो बेहतरीन बेहतरीन, देखते हैं। सॉल्यूशन सेंड करो, जो भी बच्चे बनाए हो, रूपाली, शांतनु, देव, आप लोग सॉल्यूशन सेंड करें। अच्छा आवाज आ गया, अच्छा आवाज नहीं था, हाँ 15√2 500। अच्छा चलिए अब आप लोग वेरीफाई कर लेना कि किसका गलत है किसका सही है। देखो कैसे मैं अप्रोच करता हूँ किसी भी क्वेश्चन को, पहले ये सीखो कि ठीक है कि कैसे मैं अप्रोच करता हूँ किसी क्वेश्चन को। देखिए क्या है, ए पर्सन ट्रेवल्स 10 किलोमीटर टुवार्ड साउथ, कैसा जाएगा वो बच्चा, तो साउथ जाएगा। मान लो ये पर्सन यहाँ था, ये 10 किलोमीटर चला गया, यहाँ पे आ गया 10 किलोमीटर। Then he turns his left and travels 10 किलोमीटर। लेफ्ट में कोई दिक्कत नहीं, अमन सर पढ़ाए आपको, क्या पढ़ाए हैं, एल आर कंसेप्ट, एल और आर, ठीक है। बस एल आर का हमेशा कब लिखना है, एल आर कभी भी लिखोगे तो पहले एल और पहले आर, और हमेशा क्लॉक वाइज में। क्लॉक वाइज कहने का मतलब देखो यहाँ पे हम एल से आर जा रहे हैं तो ये क्लॉक वाइज लिखे हैं ना बच्चा, समझ में आ रहा है। तो हमेशा लेफ्ट राइट में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, तो मैंने ऐसा लिखा। Then he turns his left and travels 10 kilometer. मतलब अब इधर left turn लिया और कितना चला 10. Then he turns towards right. अब ये right चला तो फिर से LR concepts use करेंगे, फिर से LR concepts use करेंगे, तो LR concepts में L और R, ठीक है। अब क्या उधर move किया, he turns right and travels. तो right किधर आ जाएगा, अब ये नीचे आ जाएगा, अब ये नीचे आ जाएगा और 10 हो जाएगा and 10 kilometer. Then he finally turns towards his left and 20 kilometer. अब फिर से left चला है और ये किधर चला, इधर, इधर ये 20 किलोमीटर चला है, ये इधर चला है। अब आपसे पूछा है स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट में कितना डिस्टेंस है, तो स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट में अगर हम डिस्टेंस पूछें बच्चों,
तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका 10 था, ये 10 था, तो ये टोटल जो एक है, ये अगर ये पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस पूछा गया आपसे, आपसे ये जो व्हाइट कलर का रेड कलर का आप देख रहे हो, आप जो ये रेड कलर का देख रहे हो, यही तो पूछा गया है, यही तो पूछा गया है, तो ये क्या बनेगा, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। कैसे, तो ये 10, ये भी 10, तो 10 10 20 और ये आपके पास 30 हो जाएगा। मतलब देखो ये एक ट्रायंगल बन गया है, ये डिस्टेंस आपको पता करना है, ये डिस्टेंस पता करना है, ये आपके पास 20 है क्योंकि 10 प्लस 10 20 और 20 प्लस 10 ये 30, तो क्या ये पता कर पाओगे, तो कितना हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 20 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा बच्चों, 20 स्क्वायर मतलब 400 और ये कितना हो जाएगा 900, 9 एक 10 3 1300, इज इट क्लियर, तो आपका रूट मतलब 10 रूट 13 आएगा। क्या समझ में आया ये कैसे किए सर ट्रायंगल, अच्छा ट्रायंगल कैसे किए, ये कितने बच्चों को समझ में नहीं आया, शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस क्या होता है, आप लोग ये 9 10th में पढ़े होंगे कि शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस कभी भी दो पॉइंट के बीच में क्या होता है, शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस होता है द लाइन ज्वाइनिंग द टू पॉइंट्स स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन से मैंने उस दोनों को जो ज्वाइन कर दिया तो इसको हमको शॉर्टेस्ट पॉसिबल हो गया। अब आप बोल रहे हो कि सर ये ट्रायंगल कैसे बना, मान लीजिए ये स्टार्टिंग पॉइंट था और ये इसी के हॉरिजेंटल में अगर मैं इसको एक्सटेंड कर दूं बच्चा, तो ये लेंथ कितना है, ये 10 है, तो ये भी तो 10 होगा, तो 20 प्लस 10 कितना हो गया, ये 30 हो गया, और ये 10 है और यहाँ 10 है, तो ये भी हाइट 10 होगा, 10 प्लस 10 20 होगा। हाउ मेनी ऑफ यू हैव अंडरस्टूड दिस, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, कितने बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आया, और सच सच बताओ कितने बच्चों ने इसको सही सही बनाया है, कितने बच्चों ने सही सही सॉल्व किया था, स्नेहा का आंसर सही आया था मुझे, और देखो दत्ता दंदगल ने भी अच्छा ट्राई किया था, ये ट्राई बहुत अच्छा किए थे, चलिए दत्ता दंदगल ने भी बहुत अच्छा ट्राई किया था, चलो ठीक है, सभी बच्चों को मजा आया, समझ में आए, समझ में आए, आप लोग नेक्स्ट लेवल के लिए तैयार हो, देखो लेवल बढ़ता जाएगा, लेवल बढ़ता जाएगा और आज बेहतरीन बेहतरीन चीजों को सीखेंगे, ठीक है, लेवल हमारा बढ़ता जाएगा, और मैं देखो मैं आप लोगों का टाइम आप लोगों का बर्बाद नहीं करता हूं, मैं आपको उस तरह के टीचर्स में नहीं हूं कि एक ही टॉपिक को आपको 50 घंटे पढ़ाऊंगा, ठीक है, एक टॉपिक आपका डायरेक्शंस जो है 2 घंटे में कंप्लीट होगा और सब तरह के क्वेश्चंस आप बना दीजिएगा, चाहे कैसे भी क्वेश्चंस आ जाएं आप सब बना दीजिएगा, ठीक है, तो बस ध्यानपूर्वक 2 घंटे डिवोट कर दीजिए, ध्यानपूर्वक 2 घंटे पढ़ लीजिए, ठीक है, तो ये क्वेश्चन सभी बच्चों को क्लियर है क्या, जल्दी बताइए, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की और तरफ मूव ऑन करेंगे जल्दी से, नहीं जब तक 10 बच्चे का मिनिमम कमेंट नहीं आएगा हम आगे नहीं बढ़ेंगे, 10 बच्चे का कमेंट नहीं आएगा हम आगे नहीं बढ़ेंगे, आप लोग कमेंट करते नहीं हो, ठीक है, आप लोग कमेंट करते नहीं हो, कमेंट 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 करो जल्दी से, क्लियर है, हाँ देखो नवीन टुडू आप तो लेट से ज्वाइन किए हो, अब क्लियर है ना, चलो अब सभी बच्चे कमेंट कर रहे हैं, अब देखिए अब मैं आपको यूपीएससी का क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, आप लोग तैयार हैं, आप लोग यूपीएससी के क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हो, डू यू वॉन्ट टू सॉल्व यूपीएससी के क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं, तो देखिए कितना आसान यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है बच्चा, यूपीएससी कितना आसान क्वेश्चन पूछता है, आप ट्राई करो, देखो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अगर आपने LR कॉन्सेप्ट हमारा सीख लिया होगा तो आप इस क्वेश्चन को बना दीजिएगा, मैं इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको 4 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, देखता हूँ कि 4 मिनट में कितने बच्चे सही सही बना पाते हैं, 4 मिनट का टाइम दिया जा रहा है, ठीक है, आप देखो ट्राई करो और अच्छे से बनाओ इस क्वेश्चन, ट्राई करो ट्राई करो, देखिए ट्राई करके देखिए कितने बच्चे सही बना पाते हैं, एक्चुअली थोड़ा सा गला में पेन है, ठीक है, सौम्या श्रीदास, संजीव कुमार आप थोड़ा सा लेट हो गए हैं, बस थोड़ा सा लेट हो गए हो, ज्यादा नहीं 40 मिनट लेट हो गए हो, लेकिन क्वेश्चन सेशन पे आए हो तो हो सकता है बहुत चीज सीख लोगे, कॉन्सेप्ट अभी मैंने 2 ही कॉन्सेप्ट्स पढ़ाया, एक LR कॉन्सेप्ट्स पढ़ाया और एक NESW पढ़ाया, जल्दी से इसको बनाइएगा, और जो भी बच्चे प्लस के स्टूडेंट हो या आप फ्री स्पेशल क्लास वाले हो, प्लस वाले को भी अगर आप यहाँ पे अटेंड कर लिए हैं तो जरूरी नहीं है आपको प्लस पे पढ़ना, प्लस पे भी मैं यही चीजों को सेम चीज पढ़ाऊंगा, ठीक है, अगर डायरेक्शन टॉपिक तो जरूरी नहीं है डायरेक्शन टॉपिक को दोबारा पढ़ना, एक बार कहीं भी पढ़ लो, चाहे स्पेशल में पढ़ लो प्लस पे पढ़ लो, कंटेंट आपको सेम मिलेगा, बस अंतर क्या है प्लस और स्पेशल में, प्लस पे क्या होता है कि सारा चीज एक रेगुलर फॉर्मेट में मिल जाता है, रेगुलर तरीके से मिल जाता है, और स्पेशल में क्या है आपको इंतजार करना पड़ेगा,
ठीक है, कि कब सर नया टॉपिक पढ़ाएंगे, ठीक है, तो यही अंतर होता है मेजर। आकाश आर यू प्रेजेंट, आकाश आप प्रेजेंट हैं, आ रहा है समझ में, बताइए। रंजन समझ में आया, लास्ट क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया? लास्ट क्वेश्चन सभी बच्चों को समझ में आया? बोलो रे, अभी तो सब एकदम से क्वेश्चन सॉल्व करने में लगा हुआ है, अभी सब क्वेश्चन सॉल्व करने में लगा हुआ है। नहीं सर, हम सॉल्व करेंगे सर, हम सॉल्व करेंगे सबसे पहले। ये यूपीएससी है, यूपीएससी का तो एग्ज़ाम सर कल ही हुआ है, और हमसे तो यूपीएससी बनेगा। तो देखो, चार बच्चों ने बनाया है, एक स्नेहा, दत्ता दंदगल और आकाश कुमार। बेहतरीन बेहतरीन, मज़ा आ गया। तो क्या आप लोग जो बनाए हो, स्नेहा, दत्ता और आकाश, क्या आप मेरा कंसेप्ट यूज किए हैं, लेफ्ट राइट वाला कंसेप्ट यूज किए हैं, एलआर कंसेप्ट अच्छे से यूज कर पाए हैं? थोड़ा सा कोशिश कीजिए एलआर कंसेप्ट को अप्लाई करने का, क्वेश्चंस काफ़ी आसान हो जाता है उससे। मतलब डायरेक्शंस आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ती है, किधर लेफ्ट होगा किधर राइट होगा, ठीक है। अच्छा, 10 ऐड करना भूल गया। एक से बढ़ के एक क्वेश्चंस होगा हमारे क्लास में, हमारे क्लास में एक से बढ़ के एक क्वेश्चंस करवाएंगे, ठीक है, आप उसकी टेंशन मत लो। बस चार बच्चे का आंसर सही आया है अभी तक, चार बच्चों का आंसर सही आया है। देखो पांचवा भी आ गया, शुभम कुमार ने भी आंसर सही कर दिया, दत्ता ने पिक सेंड किया है। दत्ता तुम्हारा पिक, ये तो आ गया है, ये तो तुम्हारा पिक आ गया है दत्ता दंगा, ये तुम्हारा पिक आ गया, तुम अपना पिक क्यों भेज दिए? दत्ता दंगा, चलो अच्छा। काफी बेहतरीन बेहतरीन, विकास ने भी बना लिया है। शांतनु दास ने भी सॉल्व कर लिया है, और एक बार इन सभी के लिए आप लोग क्लैपिंग जरूर करें जो भी बच्चों ने सॉल्व किया है। वैसे मुझे लग रहा है देव को आंसर पहले से पता था, लेकिन स्नेहा सिजारिया, शांतनु, रूपाली से भी नहीं बना है, शांतनु और किस किस से, मतलब जो भी तीन चार बच्चों से बना है, एक बार आप लोग उनके लिए क्लैप जरूर करें। काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन था और यूपीएससी का क्वेश्चन है, और आकाश कुमार ने भी बनाया था, तो एक बार उनके लिए क्लैपिंग जरूर करें। अब देखिए क्वेश्चंस क्या है बच्चों, उसको सुनते हैं, ठीक है। जो भी बच्चे गलत किए हो वो देखो कि आपसे मिस्टेक कहाँ हुआ। देखिए, देयर आर टू कार्स ए एंड बी विच आर 100 किलोमीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। जैसे मान लीजिए कि दो कार है, एक कार ए है और एक कार बी है, ठीक है, एक कार बी है, ठीक है, दो कार आपके पास दिया हुआ, एक कार ए और एक कार बी, और कितने दूरी पे है ये दोनों, ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है बच्चों, ये आपको दिया है 100 किलोमीटर, कि इनिशियली दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 100 किलोमीटर है। उसके बाद दिया गया है अपार्ट फ्रॉम इच अदर, हु स्टार्टेड ट्रेवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन ऑन ए स्ट्रेट मेन रोड। अपोजिट क्या होता है, अपोजिट ऐसा भी हो सकता है कि ये इधर आया और ये इधर आया, ये इधर आया, तो ठीक है। अगर आप अपोजिट डायरेक्शन में सोचोगे तो एक तो ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि एक ऐसा जा रहा होगा और ऐसा जा रहा होगा। अब आपको ऑप्शंस को देख के आप अप्रोच किधर करना था, कौन सा डायरेक्शंस को आपको चूज करना था, आपको पहले सोचना था इसके बारे में, इसके बारे में बाद में, क्यों? क्योंकि ऑप्शंस सारे 100 से ज्यादा है, 100 से ज्यादा है तो मतलब दोनों अपने दोनों से दूर जा रहा होगा ना बच्चा, मेरी बातों को समझ रहे हैं? तो इसीलिए हमने क्या किया बच्चे, हमको इसी से पता चल गया, अबे दोनों अपोजिट में गया, एक इधर चला गया और एक इधर चला गया, अपोजिट डायरेक्शंस में। Who started traveling in opposite direction on a straight main road? Car A travels 10 km along the main road. तो 10 km हम इसको पहले चला दिए हैं, हम इसको 10 km यहाँ पे पहुँच गया, ये 10 हो गया। उसके बाद क्या हुआ, Then he turns towards its right. अब आप कन्फ्यूज हो जाइएगा कि किधर राइट किधर लेफ्ट, तो इसके परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए, ये L हो गया ये R हो गया। देखो मेरे तरीका को आप समझो कि हम कैसे सॉल्व करते हैं। और उसके बाद क्या किया, कार ए 10 किलोमीटर एंड इट टर्न्स टुवर्ड्स इट्स राइट, वो किधर मूव किया, राइट में, और 10 किलोमीटर चला, तो इसका राइट इधर है
तो इधर मूव कर गया और कितना चला बच्चा, तो 10 चला, ठीक है, ये हो गया। देन इट टर्न्स टुवर्ड्स राइट, देन इट टर्न्स टुवर्ड्स इट्स लेफ्ट, अब उसके बाद फिर से वह लेफ्ट में टर्न किया। एल आर कंसेप्ट जिंदाबाद, तो एल इधर और आर इधर, तो लेफ्ट घुमा है तो लेफ्ट इधर चल गया। अब कितना चला इधर, तो 10 चला, तो ये भी काम खत्म। इट अगेन टर्न्स टुवर्ड्स इट, अब फिर से लेफ्ट घूम लेता है भाई, देख रहे हो कितना लेफ्ट राइट, तो फिर से एल आर, हमेशा पहले एल फिर आर, ठीक है, और आउटवर्ड ही जा रहा है तो कोई दिक्कत है नहीं। तो एल आर अब किधर घुमा है, हुआ कहाँ गया है, लेफ्ट एंड रीच, देन इट अगेन टर्न्स टुवर्ड्स लेफ्ट एंड रीचेज बैक द मेन रोड, तो मेन रोड आपका क्या है, ये वाला मेन रोड है, तो यहाँ पे लेफ्ट टर्न लेगा और मेन रोड के पास आ गया, मतलब अब इसका जो ओरिजिनल पोजिशन है ये यहाँ हो गया, और पहले कहाँ था, यहाँ था, तो कितना डिस्टेंस ये चला है भाई, 10 और 10, हॉरिजॉन्टल में ये टोटल डिस्टेंस क्या 20 में लिख सकता हूँ। और देखो लास्ट लाइन पढ़ो, कार्बी ट्रेवल्स 10 किलोमीटर अलोंग द मेन रोड, इतने देर में ही कार्बी कितना चल गया है, 10 किलोमीटर, तो जो अब ये कार ए है यहाँ और कार बी है यहाँ, तो दोनों के बीच का ये 100 और इधर आपके पास ये 10, तो कितना हो गया बच्चों टोटल डिस्टेंस, क्या 130 आया, बेहतरीन क्वेश्चन था, बताइए क्या ये बेहतरीन क्वेश्चन था, समझ में आया क्या आप सभी को, आप सभी को आया समझ में, बोलो ना समझ में आया, समझ तो जाते हो लेकिन क्वेश्चंस क्यों नहीं बनता है। आज आप लोगों को एक डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम का हम सीट भी देंगे, एक डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम का हम सीट अपलोड करेंगे टेलीग्राम ग्रुप पे, टेलीग्राम ग्रुप जो भी बच्चे ज्वाइन नहीं किए हैं अभी के अभी टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, @AmanRajSir आप लोग टेलीग्राम पे जाइएगा और ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। वैसे मुझे ज़्यादा उम्मीद है कि मैक्सिमम बच्चों ने ज्वाइन कर लिया होगा, अगर जो भी बच्चे ज्वाइन नहीं किए हैं तो @AmanRajSir सर्च करना है टेलीग्राम में, आप वहां पे जाके उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, हम एक क्वेश्चन सेट आपको अपलोड कर देंगे और ये भी अपलोड कर देंगे, तो टेंशन मत लो, ये सारे क्वेश्चंस को भी मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है, तो घबराएंगे मत। चलिए पहले ये बता दीजिए एक बार थम्सअप करके, ठीक है, इतना थम्सअप करो कि स्क्रीन फूट जाए, ठीक है, कि ये समझ में आया या नहीं आया, ठीक है, जल्दी से बताओ समझ में आया, ठीक है, हाफ सेंचुरी पूरा दो। तो क्या अभी तक जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया, अभी तक हम क्या क्या पढ़े हैं बच्चों, अभी तक हम दो चीज पढ़े हैं, एक एल आर कंसेप्ट पढ़े हैं और एक NESW पढ़े हैं, बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट तरीका समझने जा रहे हैं, नेक्स्ट कंसेप्ट को सीखने जा रहे हैं। देखिए अब नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है उसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है, उसको समझ, आर यू रेडी। रौनक रॉय बर्मन, क्या समझ में आया ये क्वेश्चन, क्या समझ में आया रूपाली जी, आपको समझ में आया रूपाली जी, आपको समझ में आया या नहीं आया, जल्दी से बताइए, क्लियर है, क्योंकि आपसे भी ये क्वेश्चंस नहीं बना था, जो भी बच्चों से ये क्वेश्चंस नहीं बना था, क्या सभी बच्चों को क्लियर है, बोलो यस और नो, अरे भाई बताओ तो कमेंट में बताओ जल्दी से, मतलब जिससे पूछ रहा हूं वो बता क्यों नहीं रहे हैं, जिससे पूछा जा रहा है वो बता क्यों नहीं रहा है, बाकी सभी बच्चे बता रहे हैं, आते हुए भी गलती क्यों होता है, यही तो गेट है। चलिए आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा बच्चों, आप एक चीज पढ़ते हो, एक पढ़ते हो सन एंड शैडो प्रॉब्लम, इसको सीखने के लिए जा रहे हैं, ठीक है, कि हाउ इज सन एंड शैडो प्रॉब्लम इज सॉल्व, ठीक है, सन एंड शैडो प्रॉब्लम, इसके कॉन्सेप्ट्स को जड़ तक हम लोग समझते हैं, इसके कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं कि हाउ सन एंड शैडो प्रॉब्लम इज सॉल्व, कि सन और शैडो प्रॉब्लम को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसको समझेंगे। देखिए अभी अमन सर आपको दिख रहे होंगे, अमन सर के पीछे भी कुछ दिख रहा होगा, दिख रहा है अमन सर के पीछे, यहाँ काला काला दिख रहा है, देख रहे हो, ये अमन सर है, दिख रहा है, देखो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है, अरे भाई दिख रहा है, कितने बच्चों को ये दिख रहा है, अमन सर का हाथ एक दिख रहा होगा, एक पीछे भी हाथ दिख रहा होगा, देखो स्क्रीन में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो यही तो परछाई है। अब इसको आप अलग अलग शेप दे सकते हो, ठीक है, देख रहे हो ना सभी बच्चे देख रहे हो। अब एक बात मुझे बताओ कि शैडो कब बनता है, हाउ शैडो इज फॉर्म,
शैडो बच्चों बनता कब है ये मुझे कोई बच्चा बता सकता है तो जल्दी से बताएं कि हाउ शैडो इज फॉर्म, शैडो बनता आपका कैसा है, शैडो बनता कैसा है ये कितने बच्चे बता सकते हैं। तब लाइट पड़ता है, मतलब कोई भी चीज पे, कोई भी ऑब्जेक्ट पे जब लाइट पड़ता है तो आपका शैडो बनता है, ठीक है, वो शैडो बनता है। हम शैडो बनने के लिए, शैडो बनने के लिए आपको ये होना चाहिए, मतलब एक सरफेस होना चाहिए तभी तो शैडो बनेगा, ठीक है, कहीं तो शैडो नहीं बन जाएगा। मतलब क्या हो रहा है, क्या हो रहा है सुनिएगा, कैसे शैडो बनेगा। जैसे मान लीजिए कि इधर से कोई लाइट जो है, इससे लाइट हम अगर इस पे जला रहे हैं, अगर इससे लाइट जला रहे हैं और इसके बीच में कोई ओपेक ऑब्जेक्ट आ गया, जैसे मेरा हाथ है ओपेक ऑब्जेक्ट है, लाइट सोर्स, ये लाइट सोर्स था, जैसे देखिए अभी मैं बताता हूँ, जैसे मान लीजिए कि ये लाइट सोर्स है, ये लाइट सोर्स है या नहीं है, देख रहे हो ये लाइट सोर्स है, लाइट सोर्स है। अब मान लीजिए कि इस लाइट सोर्स में अगर हम बीच में ऑब्स्ट्रक्शन लगा देंगे तो बीच में मेरा क्या हो जाएगा, अब शैडो बन रहा होगा, ऐसे शैडो नहीं बनेगा। देखो अभी शैडो दिख रहा होगा, अभी दीवार पे शैडो दिख रहा है, ये लाइट सोर्स के बीच में मेरा हाथ आ गया तो लाइट पूरा हाथ पे आने लगा, पीछे देखो शैडो दिखेगा, अभी शैडो नहीं दिख रहा होगा, अब पीछे शैडो दिखेगा, देखो देखो, नहीं पता है तो नहीं बिलीव है तो देख लो, देखो देखो, अगर हम हाथ हटा रहे हैं तो देखो, सबको फील आना चाहिए भाई, फील आना चाहिए, फील दिला रहे हैं, तो समझ में आया, ये समझ में आया या नहीं आया। देखो पहले हाथ अगर रखे हैं, अब हटा दिए, हटा दिए, अगर हाथ रख दिए तो इमेज बन गया, बना। ये कितने बच्चों को समझ में आया ये बातें, कितने बच्चों को क्लियर है बताइए कि हाउ शैडो इज फॉर्म। तो शैडो कब फॉर्म होता है, जब स्क्रीन और जो लाइट सोर्स होता है उसके बीच में कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है तो हमारा क्या होता है कि शैडो बनता है, शैडो बनता है। तो अब एक बात मुझे बताइएगा कि अगर इस दीवार पे शैडो बन रहा है, अगर इस दीवार पे शैडो बन रहा है तो जो लाइट आ रहा होगा किधर से आ रहा होगा, लाइट किधर से आ रहा होगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन से आ रहा होगा या नहीं आ रहा होगा, मतलब इसके अपोजिट डायरेक्शन से आ रहा होगा या नहीं आ रहा होगा। जैसे अगर हम ये कह सकते हैं, मतलब सामने से आ रहा होगा, मतलब हम ये कह सकते हैं बच्चों कि सोर्स ऑफ लाइट जिधर भी होगा उसके जस्ट अपोजिट में क्या बनेगा, शैडो बनेगा। मतलब उसका अगर सोर्स ऑफ लाइट इधर है तो उसके अपोजिट में क्या बनेगा, शैडो बनेगा। अगर मैं ये बोलता हूँ, क्लियर है या नहीं है, मतलब अगर सोर्स ऑफ लाइट जिस भी डायरेक्शन में होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में शैडो बनता है। इतनी बात कितने बच्चों को समझ में आया, मैंने तो कोशिश किया है आपको अच्छे से समझाने का। अब जैसे देखिए एक बॉक्स में हम बना रहे हैं, क्लियर है, जैसे मान लीजिए कि ये है, यहाँ पे आप एक बल्ब लगा दो, एक चमकता हुआ बल्ब लगा दो, एक बल्ब है यहाँ पे, यहाँ से बल्ब जो है ये आ रहा है, हाँ सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, हाँ हैंग हो गया था, ठीक है, चलिए अब क्लियर है ना बच्चों, थोड़ा सा नेटवर्क इशू था, ठीक। अब देखिए बच्चों मैं क्या बता रहा था उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि लाइट सोर्स आपका यहाँ पे है, लाइट सोर्स आपका ये है, तो जो भी शैडो बनेगा अगर बीच में कोई ओपेक ऑब्जेक्ट आ जाता है, बीच में कोई भी ओपेक ऑब्जेक्ट रख दोगे तो उसका जो शैडो बनेगा क्या वो शैडो यहाँ पे बनेगा, क्या शैडो जो होगा उसका इधर बनेगा ना, इस साइड बनेगा कि नहीं बनेगा। तो हमेशा एक चीज ध्यान रखना है कि अगर ये सोर्स ऑफ लाइट है, ये सोर्स ऑफ लाइट है इधर, तो उसका शैडो जो बनेगा जस्ट इसके अपोजिट में शैडो बनता है। इज इट क्लियर टू यू और नॉट। जैसे अब बच्चों मैं आपसे ये पूछता हूँ, इतनी बात आप हमेशा ध्यान रखना सन शैडो में, कि जो शैडो बनेगा, हाँ इतनी बात आपको ध्यान रखना है कि जो शैडो बनता है वह अपोजिट डायरेक्शन में बनता है, किसके, सोर्स ऑफ लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में आपका क्या बनता है, शैडो बनता है। तो एक बात मुझे बच्चे आप लोग ही बताइए कि मॉर्निंग के टाइम आपका सोर्स ऑफ लाइट जो होता है क्या होता है, सन होता है। तो सन किस डायरेक्शन में होता है मॉर्निंग में सन किस डायरेक्शन में होता है, ईस्ट डायरेक्शन में होता है। मतलब जो सन है, सन जो है वह आपको ईस्ट डायरेक्शन में दिख रहा है मॉर्निंग में। तो हम एक बात अगर हम आपसे पूछें कि भाई शैडो हमारा किस डायरेक्शन में बनेगा, अगर सन मॉर्निंग में ईस्ट डायरेक्शन में है तो शैडो हमारा किधर बनेगा बच्चों, ये शैडो जो बन रहा होगा कोई भी ऑब्जेक्ट का वह किधर बनेगा, हमेशा वेस्ट डायरेक्शन में बनेगा, ये चीज आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और अगर आप, अगर हम इवनिंग की बात करें तो इवनिंग में आप देखते हो, इवनिंग की बात करोगे तो इवनिंग में आपका सन किधर रहता है बच्चा, इवनिंग में सन किस डायरेक्शन में रहता है, वेस्ट में रहता है। तो शैडो किधर बनेगा, इवनिंग में अगर आपका ये वेस्ट डायरेक्शन में होगा
तो शैडो जो बनेगा वो किस साइड बनेगा बच्चों, बोलो जल्दी से। ये शैडो जो बनेगा वो किधर बनेगा, ईस्ट में बनेगा, ईस्ट में आपका शैडो बनेगा। अब आप देखे होंगे, अब आप देखे होंगे कि दोपहर के समय में आपको शैडो कम दिखता होगा, दोपहर एकदम 12 बजे नून में देखना शैडो कम दिखता होगा, क्योंकि आपके जस्ट ऊपर है, अगर ऊपर है मतलब नॉर्थ डायरेक्शन में होगा, जस्ट ऊपर हेड पे रहेगा तो शैडो तो नीचे बनेगा ना, और नीचे आपका बहुत ही कम दिखाएगा। इतनी बात आप कभी ऑब्जर्व कीजिएगा, आप ऑब्जर्व कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है, आपको पता चलेगा। जरूरी नहीं है कि आप ऐसे खड़ा हो और ऐसे खड़ा हो, मतलब देखना, सुनो मेरी बातों को सुनो, अभी हम क्या बोलना चाह रहे हैं। जैसे देखिए, मान लीजिए कि हम इस डायरेक्शन में, हम जो है इस डायरेक्शन में आपको खड़े हैं, ठीक है, इस डायरेक्शन में अगर खड़े हैं तो जरूरी नहीं है मेरा शैडो इधर या इधर ही बने, जरूरी नहीं है कि मेरा शैडो जो बने वो इधर या इधर डायरेक्शन में बने, मेरा शैडो इधर भी बन सकता है। देखो अभी भी शैडो मेरा इधर बन रहा, इसी दीवार पर बन रहा, क्यों, लाइट का सोर्स इधर से, समझ रहे हैं मेरी बात को, मतलब हम जो कहना चाह रहे थे, ये कितने बच्चों को फील आया, समझ में आया, ठीक है, ये कितने बच्चों को समझ में आया कि शैडो हमेशा लाइट सोर्स के अंतर बनता है, ये नहीं कि वो मेरा चेहरा देख के बनेगा, ये नहीं कि अमन सर का चेहरा इधर है तो इधर बना दो शैडो, मेरे चेहरे को देख के नहीं बनेगा, लाइट किधर है उसके जस्ट अपोजिट शैडो बनेगा। जैसे अभी आप देख रहे हैं लाइट इधर से आ रहा होगा, इसीलिए शैडो पीछे बन रहा है, अगर लाइट उधर से आने लगे तो शैडो मेरा इधर बनने लगेगा, ठीक है, मेरी बातों को समझ रहे हैं। मतलब अभी भी आप देख रहे हो, यहाँ जो देख रहे हो ना, लाइट इधर है, लाइट इधर लगा हुआ है। अभी देखना, अभी एक मैं आपको और जादू दिखाता हूँ, देखो जादू देखना, रुको, देखिए पहले आप शैडो इधर देख रहे थे, अब देखिएगा शैडो मेरा इस पे भी है, इस पे भी है कि नहीं शैडो, अब पीछे भी दिख रहा होगा शैडो, क्यों, अब लाइट आगे से भी आने लगा, अब जो लाइट आपको दिख रहा है वो आगे से भी दिख रहा है। तो कितने बच्चों को ये बात समझ में आया, कितने बच्चों का बात ये बच्चों को समझ में आया। मैंने कोशिश किया है कि आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस चीज़ों को बताने का, मैंने कोशिश किया है आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाने का। क्लियर है, क्लियर है, जल्दी से बताइए, क्लियर है, इज इट क्लियर टू एवरीवन, बताइए इज इट क्लियर टू एवरीवन, इज इट क्लियर। तो अब देखिए हम दो क्वेश्चंस करेंगे बच्चों, अब देखो यहाँ पे, देखो ये देखो लड़का है, इधर से सन आ रहा है, इधर से लाइट है, तो इधर इसका शैडो बना है इसके जस्ट पीछे, सोर्स ऑफ लाइट इधर था तो शैडो इसके पीछे बना है, मतलब जस्ट इसके अपोजिट बना है। अब देखो ये लड़की है, ये लड़की जा रही है, इसका पैर आपको व्हाइट दिख रहा है, मतलब लाइट किधर से है, इधर से है, पीछे से इसके लाइट पड़ रहा है, ये लड़की के पीछे से लाइट पड़ रहा है, तो इसीलिए इसका देखो लाइट सोर्स जो बना, ये इमेज जो बना वो कहाँ बना है, इधर बना है या नहीं बना है, मतलब जिधर से लाइट होगा लाइट इसके पीछे से आ रहा है, इसीलिए इसका शैडो आगे बना है। कितने बच्चों को समझ में आया भाई, कितने बच्चों को समझ में आया। मैंने कोशिश किया है कि आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाने का, बताने का। इज इट क्लियर टू एवरी वन, इज इट क्लियर टू एवरी वन और नॉट, इज इट क्लियर टू एवरी वन और नॉट, जल्दी से बताएं, क्या सभी बच्चों को ये बातें अच्छे से समझ में आई है, क्या क्या सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया, यस और नो, यस और नो, सभी बच्चों को क्लियर, क्रिस्टल क्लियर है। एक क्वेश्चन करना चाहिएगा, एक क्वेश्चन करना चाहिएगा, जल्दी से बताइए, एक क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करना चाहिएगा। चलिए एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, इस क्वेश्चन को आप एक ट्राई कीजिए, इस क्वेश्चन को आप एक बार ट्राई करें, ठीक है, विदाउट पोल है, पोल नहीं दिया गया है, आप ट्राई करो एक बार, काफी बेहतरीन क्वेश्चन है, आप एक बार ट्राई करें, आप ट्राई करें इस क्वेश्चन को, काफी बेहतरीन क्वेश्चन है ये, ट्राई करो। अभी हम दो क्वेश्चंस करेंगे, फिर उसके बाद एक नया कॉन्सेप्ट्स भी सीखेंगे, ठीक है, अभी दो क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद नया कॉन्सेप्ट्स भी सीखेंगे। विशाखा का आंसर आ रहा है साउथ ईस्ट, अच्छा देखते हैं विशाखा जी, समझते हैं, ये तो आपका पहले वाला ही क्वेश्चन आ गया, ठीक है, ये फर्स्ट टाइप का आ गया, ये सन शैडो का नहीं है, सन शैडो का भी हम देंगे,
सन शैडो के भी क्वेश्चन हम करवाएंगे, ठीक है। पहले इसको देखिए, बताइए बताइए आंसर बताइए, सभी बच्चे आंसर बताइए। वेस्ट डायरेक्शन, देखिए मनीष कुमार का वेस्ट आ रहा है, किसी का साउथ आ रहा है, मतलब अभी तक दो बच्चे का सेम आंसर आया है। देखते हो एग्जामिनर, आप लोग सोचते होंगे कभी कभी कि एग्जामिनर चार ऑप्शन कैसे सेट करता है, और चारों ऑप्शन किसी ना किसी का क्यों आ जाता है, वो ऐसे ही सेट करता है। जो आपका जो क्वेश्चन सेट करता है ना, वो भी कोई ना कोई टीचर ही कभी ना कभी रहा होता है, ठीक है। तो वो आपके लोग से सॉल्व करवा के चार अलग अलग ऑप्शन दे देता है, ठीक है, चार अलग अलग ऑप्शन दे देता है। तो स्नेहा साउथ है, शांतनु साउथ ईस्ट है, विकास साउथ है, मनीष वेस्ट है, और विशाखा साउथ ईस्ट है। एक बार आप लोग वेरीफाई कर दो। पीयूष रंजन, क्या आंसर आ रहा है, बताओ बताओ जल्दी से बताओ। नॉर्थ वेस्ट, अब देखो इसका तो अनोखा आंसर आ गया, सबसे अलग आया। अब देखते हैं कि किसका आंसर सही है, ठीक है, किसका आंसर सही है, अब देखते हैं। देखिए सौम्या इज फेसिंग नॉर्थ, सौम्या किधर फेस कर रही है, नॉर्थ में फेस कर रही है, एंड मूव्स 20 किलोमीटर। तो भाई साहब अगर कुछ भी नहीं दिया जाता है तो नॉर्थ डायरेक्शन, हम ये डायरेक्शन को नॉर्थ ले लेते हैं। तो इधर फेस कर रही है और इधर 20 किलोमीटर चली वो। देन ही टर्न टू हिज राइट, अब उसका राइट किधर होगा, एल आर कंसेप्ट जिंदाबाद, एल दिए और आर दिए। अब राइट में मूव की और कितना चली, 20 किलोमीटर। तो 20 किलोमीटर इसको राइट में घुमा दो तो 20 भी चल ली। एंड देन ही मूव्स 10 किलोमीटर इन द नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन कौन सा होगा बच्चा, तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की बात करें तो ये हमारा नॉर्थ था, ये हमारा ईस्ट था, तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में वो कितना चली है, 10 किलोमीटर चली है, मतलब ये हमारा 10 किलोमीटर हो गया, ठीक है, ये 10 किलोमीटर हो गया। देन ही टर्न्स, देन सी होना चाहिए, देन सी है, सौम्या लड़की है, देन सी टर्न्स टू हिज राइट एंड मूव्स 20 किलोमीटर। अब उसका राइट में, तो देखो देखो यहीं पे एल आर कंसेप्ट तुम्हें बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, एल आर कंसेप्ट यहाँ भी वैलिड है, मतलब एल और आर हम लगा दिए, बस कुछ भी नहीं, चाहे वो कैसा भी डायरेक्शन हो ना, ऐसा हो कुछ भी हो, डायरेक्ट तुम उसके परपेंडिकुलर लिखो और एल और आर लिख दो। तो हमने क्या किया है, एल आर लिखा यहाँ पे एंड मूव्स 20 किलोमीटर, देन ही टर्न्स टू हिज राइट एंड मूव्स 20 किलोमीटर। तो राइट इधर था, इधर वो चलेगा कितना, 20 किलोमीटर। ये कंसेप्ट कितने बच्चों को समझ में आया मुझे बताइएगा, तो ये कितने बच्चों को समझ में आया, ये जो मैंने लिखा है 20 किलोमीटर एंड देन सी टर्न्स हिज राइट एंड मूव्स 20 किलोमीटर। अब फिर से एल आर और उसके बाद फिर से यह 20 किलोमीटर चल दिया है, मतलब ऐसा फिर से यह 20 किलोमीटर चल दिया है, ठीक है। उसके बाद आपको बोला गया है अगेन ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट, अब फिर से वह लेफ्ट चला है, तो लेफ्ट चला है तो भाई एल आर, मतलब अभी भी आप क्या करोगे, पहले एल और फिर आर लिखोगे, एल आर, तो देन ही अगेन टर्न हिज लेफ्ट एंड मूव 20 किलोमीटर। लेफ्ट किधर है, तो इधर है, और इसके यह इसके डायरेक्शन में 20 चलेगा। तो ये डायरेक्शन है कौन सा, तो कैसे पता करेंगे ये डायरेक्शन कौन सा है, तो भाई ऊपर नॉर्थ था, इधर ईस्ट था, इधर आपका साउथ था, इधर वेस्ट था। तो कितने बच्चों का ये साउथ ईस्ट जो आंसर आया है, कितने बच्चों का आया है जल्दी से बताइए। साउथ ईस्ट जिसका भी आंसर है आपका सही आंसर है, ठीक है, साउथ ईस्ट जिसका भी आंसर आया है वो सही आंसर बताएं, ठीक है। कितने बच्चों का साउथ ईस्ट आंसर आया है बताइए, क्लियर है या नहीं, क्लियर है या नहीं है, देख रहे हो कितना घुमा रहा है, मतलब सौम्या जो है कितनी कन्फ्यूजिंग लड़की है, कितना आपको घुमा दिया गया है इधर से उधर, उधर से इधर। एक बार आप इसके सॉल्यूशंस को, आया सर एक गलती हुआ ऊपर, तो अब समझ में आया, जो मैंने एल आर कंसेप्ट पढ़ाया आपको पता है कि नहीं, एल आर कंसेप्ट कितना हेल्पफुल है, इधर लिखो ऐसे लिखो, एल आर किधर भी लिख दो, कैसे भी लिख दो, एल आर हर जगह एल आर वैलिड है, ऐसे लिख दो, यहाँ भी एल आर लिख दो, एल आर बस लिखते समय एक ही चीज़ का ध्यान रखना कि लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट क्लॉक वाइज, मतलब एक चीज़ मान लो कभी कन्फ्यूजन हो और ऐसे किए हो, अब कभी एल आर लिखने में कन्फ्यूजन हो तो पहले तुम एल आर लिख लो और एल से आर जाओ तो कैसे घूमे हो, क्लॉक वाइज ना, तो ऐसे कन्फ्यूजन दूर किया जाता है। जैसे मान लो कि तुम अगर ऐसे कर देते, तुम ऐसे अगर एल आर लिख देते तो तुम एल से आर जा रहे हो तो एंटी क्लॉक वाइज हो गया, तो ये गलत हो जाता है। हाँ बोलो,
यानी एसडब्ल्यू में गलती हुआ सर, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तो यू तो हो जाएंगे। हाँ चलिए, तो क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है ना, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चंस आपको जितना ज्यादा हो सकता है, ठीक है। तो क्लियर है या नहीं है बताइए, समझ में आया सभी बच्चों को? समझ में आया क्या सभी बच्चों को? इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर टू एवरीवन और नॉट? इज इट क्लियर टू एवरीवन? ये क्वेश्चन सभी बच्चों को समझ में आया? और दीजिए, अच्छा और क्वेश्चंस करें, चलिए ठीक है। तो ये क्वेश्चंस बताइए। अब देखिए सौम्या की बात होगी, सौम्या और कृति है, दो और लड़की आ गई, सौम्या और कृति। अब इसके बारे में देखिए, ताजमहल के सामने बात कर रही है, कितने बड़े बड़े लोग हैं, ठीक है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। बनाइए बनाइए बनाइए, और सारे क्वेश्चंस को मैं अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम पे भी, व्हाट्सएप ग्रुप पे भी, जितने भी जगह आप कनेक्टेड हैं हमसे सब जगह अपलोड कर दिया जाएगा। इसको ट्राई करें, काफी बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है, काफी बेहतरीन क्वेश्चन है, एक बार ट्राई करें आप। देखिए स्नेहा सिजारिया ने आंसर भी दे दिया है नॉर्थ, हाँ रुकेंगे रुकेंगे रुकेंगे, आप लोग ट्राई करो, अपने तरफ से देखो, सोचो। मैं कहाँ बोल रहा हूँ कि स्नेहा का आंसर सही है, गलत भी हो सकता है, उसका तो आंसर पिछली बार भी गलत आया था, तो देखो सॉल्व करो। क्या पूछ रही हैं कि कैसे? तो जहां से आप पढ़ रहे होंगे ना, जो आप पढ़ाई कर रहे होंगे, तो एक सेक्शन होगा वहां पे क्वेश्चन वाला सेक्शन, मतलब इस तरह का बनाया हुआ होगा इमेज, ठीक है, इस तरह का आपका इमेज बनाया हुआ होगा, ठीक है। उसमें आप जाइए, वहां पे क्लिक कीजिए, फोटो खींचिए और भेज दीजिए, मतलब वहां पे जाओ क्लिक करो, फोटो खींचोगे, कुछ टाइप भी कर दो, कुछ छोटा छोटा टाइप करके भेज दो। समझ में आया? एक बार ट्राई करके देखो हो रहा है या नहीं हो रहा है। एक्चुअली जब तक मैं मोबाइल साइलेंट नहीं रखता हूँ, आप लोगों का इतना ज्यादा मैसेजेस आ जाता है। चलिए हाँ बताइए बताइए, बना सॉल्यूशन सेंड कीजिए अगर होगा तो, देखिए ट्राई करके, मतलब सभी बच्चों का नॉर्थ आ रहा है, सभी बच्चों ने ट्राई कर दिया है, सारे स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चंस को ट्राई कर लिया है। बताइए क्या सभी स्टूडेंट्स आप लोग ट्राई कर चुके हो इस क्वेश्चंस को? जल्दी से बोलो यस। अब देखते हैं इस क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करते हैं, सुन लें क्वेश्चंस को समझिएगा। वन मॉर्निंग, किसी एक मॉर्निंग में क्या हुआ, सनराइज के समय सौम्या एंड कृति वेयर टॉकिंग टू इच अदर फेस टू एट ताजमहल, मतलब दोनों जो है ताजमहल के सामने फेस टू फेस गुफ्तगु कर रही थी। इफ कृति शैडो वाज एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ सौम्या, तो पहले तो देखो ये तो तुम छोड़ दो कि सौम्या किधर होगी कृति किधर होगी, वो तो बाद की बात है, तुम ये देखो कि कृति का शैडो जो है एग्जैक्टली राइट ऑफ सौम्या है। तो एक बात मुझे बताओ कि अगर हम कह रहे हैं चार डायरेक्शन हम बना देते हैं, ये हमारा मान लो चार डायरेक्शन है, तो सन जो होगा वो किधर से आ रहा होगा, सन जो आ रहा होगा वो किधर से आ रहा होगा मुझे बताइएगा। तो सन हमारा इस डायरेक्शन से आ रहा होगा, मतलब शैडो जिधर भी बनेगा वो साउथ में बनेगा। अरे भाई शैडो साउथ में मतलब शैडो किधर बनेगा, ईस्ट में बनेगा। शैडो सन ईस्ट में है तो शैडो वेस्ट में बनेगा, शैडो वेस्ट में बनेगा या नहीं बनेगा, शैडो वेस्ट में बनेगा। इज इट क्लियर? सन के डायरेक्ट अपोजिट में अगर मॉर्निंग की बात करें तो मॉर्निंग में आपका सन होता है ईस्ट डायरेक्शन में, तो जो शैडो बना वेस्ट डायरेक्शन में, मतलब हमारा शैडो का डायरेक्शन इधर है,
शैडो का डायरेक्शन किधर हो गया, इधर हो गया। अब देखिए अगर हम दोनों लड़की को इधर ले लेंगे, इधर ले लेंगे बातचीत करते हुए, ऐसे ऐसे बातचीत कर रही होगी, बीच में ताजमहल होगा, तो इसका लेफ्ट राइट किधर भी हो, इसका लेफ्ट राइट आर एल कंसेप्ट से लिखेंगे तो ये हो गया आर एल। आर एल कंसेप्ट से अगर सॉल्व कीजिएगा तो इसका लेफ्ट राइट ऐसे लिखोगे आप, लिखोगे या नहीं लिखोगे रे भाई, ऐसे ही लिखोगे ना। अगर आर एल कंसेप्ट का यूज कीजिएगा तो आर एल आर एल आर एल आपको लिखना होगा सब। तो अगर लेफ्ट राइट के कंसेप्ट से अगर आप इसको लिखते हैं तो आपको ये तो समझ में आ गया होगा यहाँ तक कि आपको ये दोनों जो है इस डायरेक्शन से नहीं होगा, इस डायरेक्शन में नहीं होगा, क्योंकि अगर ऐसे होगा, ऐसे होगा तो इसका जो भी लेफ्ट राइट होगा तो वो इधर इधर होगा या इसका इधर इधर होगा, मतलब ये ऐसे नहीं होगा, आमने सामने ऐसा नहीं होगा। तो सर कैसा होगा आमने सामने, आमने सामने ये होगा कैसे, इस डायरेक्शन में होगा। क्यों सर ऐसा आपने क्यों सोचा, ऐसा हमने इसलिए सोचा क्योंकि सन इधर है तो शैडो इधर होना चाहिए, शैडो इधर होना चाहिए, और आपको ये बोल दिया है कि एक के लेफ्ट राइट में है तो ये हम ऐसा बना दिए हैं, इसको हमने बना दिया। और हमने बोला कि जब आपका ये कन्वर्जिंग नेचर का होता है तो आपको क्या लिखना होता है, आर एल लिखना होता है। तो हमने क्या किया, आर एल लिखा, यहाँ भी आर एल लिखा, इज इट क्रिस्टल क्लियर, आर एल लिख दिया। अब देखिए आपको इसमें से डिसाइड करना है कि कौन कृति होगी कौन सौम्या होगी। तो देखो किसका है, इफ कृतिज शैडो वाज एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ सौम्या, तो राइट किसका, मतलब इसका राइट इधर है ना, इसका तो लेफ्ट इधर है, इसका लेफ्ट इधर है, तो मतलब ये कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा सौम्या हो जाएगी और ये कृति हो जाएगी, इज इट क्लियर। क्योंकि कृति का शैडो एग्जैक्टली राइट है किसके, सौम्या के, तो सौम्या का राइट इधर है तो इसीलिए ये इधर हो गया। तो सौम्या पूछा गया कृति किधर है, तो कृति ऊपर फेस कर रही है, मतलब किस डायरेक्शन में, नॉर्थ। कितने बच्चों का आंसर नॉर्थ आया था जल्दी से बताइए, कितने बच्चों का नॉर्थ आया था। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है भाई, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ऐसे ऐसे अगर आप क्वेश्चंस बना लोगे ना तो आपसे लाइफ में कोई भी क्वेश्चंस गलत नहीं होगा। अगर ऐसे ऐसे क्वेश्चंस अगर आप सॉल्व कर पा रहे हैं तो मतलब आपसे कोई क्वेश्चंस गलत हो ही नहीं सकता है, आपसे फिर कभी कोई गलती हो ही नहीं सकती है, ये मेरी गारंटी है। कितने बच्चों को ये क्लियर हुआ, अच्छे से समझ में आया। मैंने दोनों केस आपको बताया कि वैसा क्यों नहीं हो सकता, ये सब ऐसा नहीं बनाना है। विकास कुमार समझ में आया आपको, वैसे सॉल्व नहीं करना है, क्लियर है या नहीं है, क्लियर है बच्चा। देखो रंजन सक्सेना क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, जो मैंने तरीका आपको बताया वो क्लियर हुआ तरीका, ये समझ में आया, ये तरीका कितने बच्चों को समझ में आया बताओ। पहले तो मैंने ये भी आपको बताया कि ऐसे ऐसे क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ऐसे ऐसे हो जाएगा तो फिर लेफ्ट राइट तो इसका उधर है ना भाई, लेफ्ट राइट उधर है, शैडो तो बन रहा है इधर ही, मतलब वेस्ट में ही बन रहा है, तो इसीलिए इस डायरेक्शन में नहीं होगा। कितने बच्चों को समझ में आया भाई, बहुत ही बेहतरीन था, बेहतरीन क्वेश्चन था। तो क्या आप एक और क्वेश्चन कीजिएगा, क्या क्या आप एक और क्वेश्चन कीजिएगा बताइए, क्या आप एक और क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं बताइए। देखो वंशिका ने कितनी अच्छे से सॉल्व किया है, बेहतरीन वंशिका, बेहतरीन। चलिए एक और क्वेश्चन करें, वैसे वैसे करके भी एनएसडब्ल्यू लगा कर आ गया सर आंसर, हाँ वैसे भी लगा सकते हो। देखो हाँ बहुत बेहतरीन, बेहतरीन पीयूष, आप जो है ऐसे भी मान लो कोई दिक्कत नहीं है कि हाँ ये सौम्या कृति है सामने में, एनएसडब्ल्यू लगा दो वो भी सही हो जाएगा। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है एक और क्वेश्चन करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन, अच्छा मैं तो एक और क्वेश्चन करवाने वाला था आप लोगों को, चलिए अच्छा कोई बात नहीं, हम लास्ट में एक दो क्वेश्चंस करेंगे शैडो पे। शैडो वाला कंसेप्ट अगर समझ में आ गया होगा तो एक दो क्वेश्चंस अभी करना चाहोगे या लास्ट में करना चाहोगे बताओ, अभी करना चाहोगे या लास्ट में करना चाहोगे बताओ, अभी सॉल्व कर लें क्या, अभी सॉल्व कर लें, एक दो क्वेश्चंस करवा दें नाउ। चलो एक क्वेश्चंस करवा ही देता हूं, लिख ये जो आपको आज मैं पढ़ाया हूँ ना, SSC JEE हो, RRB JEE हो, कोई भी एग्जाम दो आप, गेट दो, ESE दो, सब जगह आपको हेल्प करेगा, ठीक है। जितने भी आप जो भी एग्जाम देते हैं जिसमें रीजनिंग एप्टीट्यूड पूछा जाता है तो सभी जगह आपको ये हेल्प करेगा।
तो इसीलिए अच्छे से पढ़ लीजिए। और 15 तारीख से प्लस पे मैं एक बैच लेके आ रहा हूँ, ठीक है, एक कोर्स लेके आ रहा हूँ, एक्चुअली वो बैच कोर्स ही है, ठीक है। तो उसमें मैं पूरा लॉजिकल रीजनिंग पढ़ाऊंगा एसएससी जेई के लिए, यूपीपीएससी के लिए, तो सब में आपको हेल्प करेगा। तो अगर आप प्लस के स्टूडेंट हैं तो आप उस कोर्स में इनरोल कर लें, अगर आप प्लस के स्टूडेंट नहीं हैं तो जितना जल्दी हो सकता है आप प्लस के स्टूडेंट बन जाएं, ठीक है, जितना जल्दी हो सकता है आप सब्सक्रिप्शन ले लें। चलिए इसको बनाइए। वन मॉर्निंग, मैं एक बार रीड कर देता हूँ। वन मॉर्निंग ए एंड बी वेयर स्टैंडिंग अंडर द सन इन बैक टू बैक पोजिशन, द शैडो ऑफ ए फॉल एग्जैक्टली टुवर्ड्स हिज लेफ्ट हैंड साइड, व्हाट डायरेक्शन डज बी फेस। ये सभी बच्चों से आंसर सही आना चाहिए, ये सभी बच्चों से इसका आंसर सही आना चाहिए। ट्राई कीजिए, देखिए, सोचिए, समझिए। लेट्स डू इट, जल्दी से बनाओ, जल्दी से बनाओ। सॉल्व कीजिए, सॉल्व कीजिए। और सेशंस अगर अच्छा लगे तो क्या करना है, हेड डेडिकेट जरूर करना है, ठीक है। चलिए, तो कुछ बच्चों का साउथ आ रहा है, कुछ बच्चों का नॉर्थ आ रहा है, देखते हैं कि आखिर सही क्या है। कुछ बच्चे बोल रहे हैं साउथ, कुछ नॉर्थ। रंजन आपका क्या आया है, जीत आप लोग बताएं। नवीन टुड्डू, आकाश कुमार, आंसर बताओ, आंसर बताओ, क्या सब आंसर आया, साउथ, मतलब ज्यादा बच्चे साउथ बोल रहे हैं, सभी बच्चे साउथ बोल रहे हैं। अच्छा देखते हैं, अब देखिए क्या है बच्चे इस क्वेश्चन में। वन मॉर्निंग ए एंड बी वेर स्टैंडिंग अंडर द सन, तो मान लीजिए सन इधर था आपका, ये सन इधर है, तो सन किस डायरेक्शन में हो गया भाई, ईस्ट में हो गया, तो साउथ में आपका वेस्ट में क्या बनेगा, शैडो बनेगा, इतनी बात तो फिक्स हो गई है। अंडर द सन इन बैक टू बैक पोजिशन, बैक टू बैक पोजिशन मतलब जब झगड़ा हो जाता है तो कैसे खड़ा रहते हो, बैक टू बैक में ही रहते हो, मतलब एक क्या हो रहा है कि उधर फेस हो रहा होगा और एक जो है इधर फेस हो रहा होगा। तो सर आपने ऐसा ही क्यों लिया, ऐसा क्यों ले लिया बैक टू बैक पोजिशन, बोला है ना भाई बैक टू बैक पोजिशन, तो सर आपने ऐसा क्यों नहीं लिया, ऐसा हम इसलिए नहीं लिए क्योंकि हमें पता है ये चीज एक तो दिया हुआ था, दूसरा ये भी दिया हुआ है लेफ्ट राइट का कंसेप्ट। तो क्या दिया है कि बैक टू बैक पोजिशन, द शैडो ऑफ ए फॉल्स एग्जैक्टली टुवर्ड्स हिज लेफ्ट हैंड साइड। तो देखो क्या होगा कि आप LR कॉन्सेप्ट्स का यूज करूँ, LR कॉन्सेप्ट जिंदाबाद, LR कॉन्सेप्ट जिंदाबाद। अब देखो A का जो है शैडो वह किधर हो रहा है, उसके लेफ्ट में हो रहा है, तो लेफ्ट किसका है, इसका लेफ्ट इधर है, इसका तो राइट इधर है ना भाई, तो ये हमारे लिए A हो जाएगा, तो ये B हो जाएगा। आपसे किधर पूछा गया, B किधर है, तो ये कौन सा डायरेक्शन है बच्चा, ये साउथ डायरेक्शन है बच्चा। सभी बच्चों को समझ में आया, मजा आया रे भाई, मजा आया, वन ऑफ द फेबुलस। आज तक कभी ऐसा पढ़े थे बताओ, आज तक किसी ने पढ़ाया था इसे, बताओ बताओ बताओ, पढ़े थे, क्लियर हुआ या नहीं हुआ बताओ, समझ में आया, मजा आया। ये दो कॉन्सेप्ट्स आप लोगों को क्लियर है, जल्दी से बताइएगा, दो कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ में आया, रंजन सक्सेना, पीयूष, विशाखा, सभी बच्चों को क्लियर है ना ये कॉन्सेप्ट्स, कोई दिक्कत तो नहीं है, मतलब आप कभी भी क्वेश्चन आएंगे तो बन जाएगा। और देखिये ये बच्ची कितने अच्छे से नोट्स बनाती है, काफी बेहतरीन बेहतरीन, देखो ये कितना अच्छा से नोट्स तैयार कर रही है, बहुत बेहतरीन है। और ये लड़की का हम देख रहे हैं कि कभी भी क्लास भी मिस नहीं करती है, मतलब सारा क्लास ये अटेंड कर रही है। और रंजन सक्सेना, ये रफ में मत पढ़ा करो, थोड़ा सा सही से लिखो और सही से साफ सुथरा बनाया करो, ठीक है, ये क्या लिखते हो, कोशिश करो कि जो इसे हम सिखा रहे हैं वैसे उसको अप्लाई करने का। क्या सभी बच्चों को क्लियर है, सर एक बार और, वंस मोर, अच्छा देखिए वंस मोर कर देते हैं। तो वन मॉर्निंग, जैसे ही मॉर्निंग लिख दिया ना, तो मॉर्निंग का मतलब क्या हो जाता है, सुबह, सुबह में सन किधर होता है, लाइट किधर होता है, ईस्ट डायरेक्शन में, तो अगर ये ईस्ट में है तो वेस्ट में आपका क्या बनेगा, शैडो बनेगा, इतनी बात तो आपको पता चल गया। तो आप बोलोगे कि सर ये जो होगा ऐसा ऐसा क्यों नहीं होगा भाई, इस डायरेक्शन में क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसका लेफ्ट राइट फिर उधर हो जाएगा ना, इसका लेफ्ट राइट फिर दिक्कत हो जाएगा, ये लेफ्ट राइट ऐसा हो जाएगा, तो लेफ्ट राइट में तो शैडो बन नहीं रहा है, शैडो लेफ्ट राइट में बोल रहा है बन रहा है। देखो पढ़ो आगे, बैक टू बैक पोजिशन द शैडो ऑफ ए फॉल्स एग्जैक्टली टुवर्ड्स हिज लेफ्ट हैंड। तो आपको ये नहीं पता था कि इसमें कौन ए है कौन बी है, लेकिन ये पता है कि लेफ्ट राइट पता है आपको, किधर लेफ्ट है किधर राइट है। तो अगर ये लेफ्ट है, अगर ये लेफ्ट है
तो इस यही ए होगा ना, क्योंकि ए के लेफ्ट में शेडो बन रहा है, क्योंकि शेडो तो इसी साइड बन रहा है, तो इस साइड बनेगा तो इसका होगा, समझे शांतनु दास? समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, समझ में आया या नहीं आया? अब देखिए क्या हुआ है ना कि ये जो NESW और LR कंसेप्ट है ना, अब बहुत सारे टीचर्स भी इसको कॉपी करके बताने लगे हैं, लेकिन ये खुद का मेरा कंसेप्ट है, LR कंसेप्ट, ठीक है। NESW तो बहुत जगह यूज किया जाता है, लेकिन LR कंसेप्ट अपना खुद का कंसेप्ट है, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं, अब चीजों को सीखते हैं, घड़ी के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा घड़ी के बारे में पढ़ते हैं, और आपको क्वेश्चन सेट भी दिया जाएगा, आज आपको हम क्वेश्चन सेट भी देंगे, तो उसको भी बनाइएगा। तो क्या आप तैयार हो घड़ी के बारे में पढ़ने के लिए? देखो सब टाइप्स के आपको पढ़ा दूंगा, सारा टाइप्स आपको पढ़ा दूंगा, तो आप लोग टेंशन मत लो। अब हम घड़ी के बारे में पढ़ेंगे, क्लॉक से कैसा प्रॉब्लम आता है डायरेक्शन में, वो हम सीखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। क्लॉक से कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है डायरेक्शन में, उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, और बेहतरीन तरीके से समझिएगा। देखो अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों को ये सेशन जरूर सजेस्ट कीजिएगा, नहीं लगा है तो कोई बात नहीं भाई, नहीं लगा है तो मत सजेस्ट करना, मत आना क्लास में, लेकिन अगर अच्छा लगता है तो दूसरों को जरूर बताना, ये आपका ड्यूटी है, ठीक है। अब देखो घड़ी के बारे में समझो, घड़ी कुछ इसी तरह का दिखता है, घड़ी में टोटल कितने नंबर आपको मार्क रहते हैं, 1 से लेकर 12 तक रहता है, इसी यही रहता है। तो अब इसमें क्वेश्चंस कैसा कैसा बन सकता है उसको समझने की कोशिश करते हैं। एक तो अलग से हम लोग टॉपिक ही पढ़ते हैं, क्लॉक, एक क्लॉक जो है हम लोग अलग से टॉपिक पढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पे भी आपको कुछ मैं पढ़ाने रहा हूँ, समझा रहा हूँ, आप सुनिए और समझिए अच्छे से, ठीक है। क्या है यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स, उसको समझने की कोशिश करिएगा बच्चों। क्वेश्चंस में ये रहेगा, ऐसा ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि मान लीजिए ये बोल दिया जाएगा कि 9 बजे जो है, 9 बजे जब 9 बज रहा होगा, तो आपसे ये बोल दिया जाएगा कि आवर हैंड जो है साउथ में है, आवर हैंड आपका साउथ डायरेक्शन में है, तो बताइए हमें पूछ लेगा आपसे ये कि बताओ 2:30 में आपका आवर हैंड किधर होगा। तो चलिए से देखते हैं मैं कितने बच्चे बता पाते हैं, आपसे ये पूछ ले कि 2:30 में आपका आवर हैंड किधर होगा, तो बताइए तो मुझे, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिया जाएगा, ठीक है। मतलब आपको क्या होगा वहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या पता होना चाहिए, तो देखिए जब 9 बज रहा होगा तो आपका सुई कुछ इस तरह से होगा, 9 जब बज रहा होगा घड़ी में तो आपका सुई कुछ इस तरह से होगा। ये अगर आपको, देखो बच्चों जो हमने स्टार्टिंग में आज पढ़ाया वो आपको यहाँ पे हेल्प करेगा, अगर ये साउथ हो गया डायरेक्शन, पीयूष बोलो ना ये साउथ डायरेक्शन हो गया, अगर ये साउथ डायरेक्शन हो गया, ठीक है, ये साउथ डायरेक्शन हो गया बच्चा, तो ये हमारा NESW का कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, एक ये डायरेक्शन होगा और एक ये डायरेक्शन होगा, ठीक है। तो आपको पता है कि ये साउथ है, NESW, S के बाद क्या आता है, W आता है, ठीक है, उसके बाद NE, N होगा, E होगा, और उसके बाद S होगा, फिर W होगा, तो NESW लिख दिया मैंने, ठीक है, आपको सबका डायरेक्शन पता चल गया। अब देखो बच्चों 2:30 में क्या हो रहा होगा, 2:30 में आपका आवर हैंड कुछ इस तरह से होगा, मतलब 2 और 3 के बीच में, और मिनट हैंड इधर होगा। तो ये जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन अभी एंगल में नहीं स्पेसिफाई कर रहा हूँ कि 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, इस तरह से मैं नहीं लिख रहा हूँ, या 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, या मतलब 30 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, ऐसा मैं नहीं लिख रहा हूँ। अभी मैं अगर सिर्फ आपसे ऐसा पूछूं कि ये डायरेक्शन क्या होगा, ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है क्या, अगर आपको एंगल हम रिप्रेजेंट नहीं करें तो क्या ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है, बताइए कितने बच्चों को ये समझ में आया कि कैसे इस तरह के क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, और क्या पूछा जा सकता है, बोलिए ना समझ में आया। अब देखिए मिनट हैंड, आवर हैंड, ये सारा कॉन्सेप्ट हम पढ़ाएंगे, ये फिर से कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे जब क्लॉक पढ़ाएंगे ना, कल भी क्लास है, कल भी आपका 2 घंटे का मैराथन सेशन है, और कल भी बहुत ही मजेदार टॉपिक पढ़ाऊंगा। कल कौन सा टॉपिक पढ़ाऊंगा पता है आप लोगों को, कैलेंडर, कल भी कैलेंडर पढ़ाया जाएगा भाई। देखो फ्री में सब चीज मिले, फ्री का ज्ञान है ले लो, फ्री का ज्ञान मिल रहा है ले लो, SSC JEE से पहले हम पूरा का पूरा एप्टीट्यूड पढ़ाने का कोशिश करेंगे, लॉजिकल रीजनिंग फ्री के स्पेशल क्लास में, ठीक है। 15 डिग्री हो, अरे डिग्री नहीं पूछा गया है बच्चा, डिग्री भी हम पता कर लेंगे, लेकिन डिग्री यहाँ पूछा नहीं है, छोड़ो ना डिग्री की कहानी, छोड़ो ना, जब क्लॉक पढ़ाएंगे तो डिग्री पढ़ाएंगे, ठीक है। अभी डिग्री में क्यों है, क्लॉक पूरा 1 घंटे का टॉपिक है, 1 से 1.5 घंटे में क्लॉक पढ़ाऊंगा, अभी आप आधे घंटे में क्या पढ़ पाओगे, क्लॉक नहीं पढ़ पाओगे, तो क्लॉक हम पढ़ेंगे, ठीक है, आप उसकी टेंशन मत लो, क्लॉक पढ़ेंगे, उसमें डिग्री भी सिखाएंगे, सब चीज़ सिखाएंगे, ठीक है, वो समझाएंगे, ठीक है।
ईस्ट वेस्ट, ईस्ट वेस्ट कैसे डिसाइड हुआ, ईडब्ल्यू कैसे डिसाइड हुआ, ईडब्ल्यू। नवीन तुम क्लास मिस कर दियो, स्टार्टिंग में क्लास मिस कर दियो, ठीक है। हाँ, इसमें क्लास स्टार्टिंग में मिस कर दियो, ठीक है। हमने पढ़ाया था क्या, एक पढ़ाया है NESW, यही तो हम स्टार्टिंग में पढ़ाए हैं भाई, तुम क्लास टाइमली ज्वाइन किया हो, ठीक है। देखो स्टार्टिंग में हम ये पढ़ाए थे, हाँ, NESW, ये ब्रह्मास्त्र दिए थे, इसके सामने लिख लो, ये ब्रह्मास्त्र है, ये अस्त्र है, ये अस्त्र है, ठीक है। मतलब नॉर्थ के बाद हमेशा ईस्ट आता है, ईस्ट के बाद साउथ आता है, साउथ के बाद वेस्ट आता है, ठीक है। ये मैंने ब्रह्मास्त्र आपको दिया था, ठीक है, नॉर्थ NESW। तो सिमिलरली मैंने अगर ये बोला था, अगर मैंने आपको ये बोला है, देखिए कहाँ गया भाई, कहाँ गया। मैंने ये आपको समझाया, मैंने आपको ये समझाया कि अगर ये हमारा साउथ है, ये अगर हमारा साउथ है बच्चों, तो ये साउथ हो गया, तो इसके 90, इसका 90 और इसका 90, अगर ये साउथ हुआ तो ये क्या हो जाएगा बच्चा, NESW, तो N हो गया, ये ईस्ट हो गया। अब समझ में आया, ये समझ में आया, NESW हुआ ना भाई। NESW जब लिखते हो तो साउथ के बाद क्या आ जाएगा, वेस्ट आ जाएगा, तो वेस्ट आया, वेस्ट के बाद नॉर्थ आता है, नॉर्थ आ गया, नॉर्थ के बाद ईस्ट आ गया, ईस्ट के बाद साउथ, क्लियर है। तो देखिए घड़ी कुछ इस तरह का भी दिखता होगा, घड़ी कुछ इस तरह का भी दिखता होगा। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे आपसे, मैं दो क्वेश्चंस सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है, दो क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूं। तो इस क्वेश्चंस को आप एक बार ट्राई करें और बताएं क्या आंसर आ रहा है, इस क्वेश्चंस को ट्राई करें। कॉन्सेप्ट्स कुछ भी नहीं है, कॉन्सेप्ट्स NESW वाला ही है, ट्राई करो, बताओ। एंगल नहीं बताना है, बस डायरेक्शन बताना है कि डायरेक्शन कौन सा होगा, डायरेक्शन बताना है आप लोगों को, डायरेक्शंस बता दीजिएगा। अब हम ये टॉपिक लास्ट पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। इसको बनाइए, इसको बनाइए। रितु आप बहुत ही लेट हो चुके हैं, आप बहुत ही लेट हो चुके हैं, रितु विघ्नेश दास, कोशिश कीजिएगा कल जो है टाइमली क्लास ज्वाइन करने। अच्छा क्या बोलती है जनता, कल का टाइमिंग 3 PM to 6 PM ही रख दें, मतलब 3 to 5 ही रख दें, या रात में रखें? कल वाला क्लास वैसे तो रात में शेड्यूल है 10 से 12, तो रात में ही रहने दें या अभी रहने दें, बताइए। 3 to 6 ही रखेंगे, चलिए देखते हैं। कल कैलेंडर पढ़ाऊंगा, कल कैलेंडर पढ़ाऊंगा, इसी तरह से 2-2 घंटे में कंप्लीट करते जाओ सब टॉपिक को, ठीक है। बस उसका नोट्स बनाओ अच्छे से, प्रैक्टिस करो, बस सेम टाइम में रखा जाए, ठीक है। हाँ, तो मिस मत करना, कल भी हम सेम टाइमिंग पे मिलेंगे 3 से 5। इससे पहले भी पढ़ाए सर? नहीं, अभी जस्ट स्टार्ट ही किए हैं, ये नया आपको सीरीज लेके आया हूँ कि गेट से पहले पूरा पढ़ाऊंगा, प्लस पे भी पढ़ाऊंगा। तो जो जो टॉपिक आप यहाँ पे पढ़ लिए हो, जरूरी नहीं है उसको प्लस पे पढ़ना, ठीक है। प्लस पे 15 तारीख से पढ़ाऊंगा, तो जो स्पेशल में पढ़ लो या प्लस पे पढ़ लो, पढ़ाएंगे तो हम ही ना, टीचर तो सेम ही है, ठीक है, तो कंसेप्ट तो सेम ही मिलेगा, ठीक है। तो चाहे एक जगह पढ़ लो, कहीं एक जगह पढ़ना है, चाहे तो प्लस पढ़ना है, चाहे तो, ठीक है। चलिए ईस्ट आ रहा है, किसी का नॉर्थ वेस्ट आ रहा है, देखते हैं, देखते हैं, समझते हैं। बनाइए, बनाइए, और भी बच्चे आंसर दीजिए। सर आज मेरा फर्स्ट क्लास है, मैं कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करूं? विघ्नेश दास, चलिए हम डिस्कस करेंगे इसको कि आप कैसे प्रिपरेशन कीजिएगा, बस आप हमारे साथ बने रहिए। लास्ट में हम 10 मिनट इसी के लिए चर्चा करेंगे कि गेट में आप एप्टीट्यूड और मैथमेटिक्स कैसे पढ़ सकते हैं गेट के लिए, वो हम चर्चा करेंगे, ठीक है। ये बहुत ही जरूरी वाली बातें हैं, आपने पूछा है तो उसकी बात की जाएगी, ठीक है। तो इसका आंसर देखिए, कुछ बच्चे बता रहे हैं नॉर्थ ईस्ट, कुछ बता रहे हैं ईस्ट, कुछ बता रहे हैं नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। तब समझते हैं, इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। ए क्लॉक रीड्स 4:30 इफ द मिनट हैंड्स पॉइंट नॉर्थ ईस्ट एट दिस टाइम। अब देखिए बच्चा आकाश, आपका आंसर क्या है? 4:30 की अगर बात करें, अगर हम 4:30 की बात करें, तो 4:30 में कैसे कैसे होगा बच्चा? तो 4:30 में मिनट हैंड तो आपका डायरेक्ट यहाँ पे हो जाता है, मिनट हैंड में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, मिनट हैंड में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका जो आवर हैंड है उसमें प्रॉब्लम है, हमें उसमें प्रॉब्लम है। आवर हैंड आपका कुछ कैसा रहेगा 4:30 में? 4:30 में आवर हैंड कुछ इस तरह का रहेगा, ठीक है, आवर हैंड कुछ इस तरह का रहेगा। तो क्या आप लोग इतना समझ पाए थे? अब आपको क्या दिया गया है कि मिनट हैंड 4:30 में किधर दिख रहा है? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में दिख रहा है। तो बच्चा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, तो ये तुम नॉर्थ ईस्ट रख दो ना, इसका नाम नॉर्थ ईस्ट रख दिए हो, ठीक है, ये नाम नॉर्थ ईस्ट रख दिए हो। तो ये जो होगा हमारा डायरेक्शन, मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये जो हमारा डायरेक्शन होगा, एक ये होगा 90 पे, एक ये होगा 90 पे, एक ये होगा 90 पे,
एक ये होगा 90 पे। तो एक बात मुझे बताओ, और इसके बीच वाला मतलब ये होगा नॉर्थ होगा, ये ईस्ट होगा, मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या बच्चा? ये हमारा ईस्ट होगा एन ई, ये हमारा एन ई एस होगा, साउथ होगा और ये वेस्ट होगा। अब बच्चे लोग आप ये पूछिएगा कि सर आपने कैसे डिसाइड कर लिया कि ये ईस्ट होगा और ये आपका नॉर्थ होगा, सर आपने ये कैसे डिसाइड किया? भाई नॉर्थ ईस्ट था, नॉर्थ ईस्ट था, हमने पहले लिखा एन ई एस डब्ल्यू, एन ई एस डब्ल्यू तो नॉर्थ होगा पहले तभी तो ईस्ट आया होगा, मतलब ये इधर पहले नॉर्थ आया होगा तभी तो ईस्ट आया होगा, समझ गए? तो ये डायरेक्शन आपने लिख लिया। ये कितने बच्चों को ये बात समझ में आई है जो हमने लिखा है, ये कितने बच्चों को क्लियर है बोलिएगा, जो हम ये रिप्रेजेंट किए हैं, हाउ मेनी ऑफ यू हैव अंडरस्टूड दिस, ये जो आपको डायरेक्शन हम रिप्रेजेंट किए हैं नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, कितने बच्चों को क्लियर है, कितने बच्चों को क्लियर है बताइएगा मुझे, कितने बच्चों को ये कॉन्सेप्ट अच्छे से जड़ तक समझ में आ गया? एन क्वेश्चन से डिसाइड हुआ ना सर, एन क्वेश्चन से कहाँ डिसाइड हुआ, एन नॉर्थ ईस्ट हमें दिया था तो उसके अनुसार हमने एन डिसाइड किए, एन डिसाइड किए, हमको नॉर्थ ईस्ट दिया था, हमको पता है एन ई एस डब्ल्यू होता है तो ये पहले नॉर्थ होगा तभी तो ईस्ट आएगा, तो दोनों के बीच वाला नॉर्थ ईस्ट होता है, ऐसा हम नहीं लिखेंगे कि इसको ईस्ट कर देंगे। अब देखिए क्वेश्चन में पूछा क्या गया, क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हाट डायरेक्शन डज आवर हैंड शो एट 3 PM, मतलब 3 PM पे आवर हैंड कैसा होगा, तो आवर हैंड में मतलब 3 PM पे यही होगा आवर हैंड जो बनेगा बच्चा, 3 PM पे आवर हैंड ऐसा होगा और मिनट हैंड ऐसा होगा, आपसे आवर हैंड पूछा है तो आपका ये कौन सा डायरेक्शन है, ये नॉर्थ वेस्ट है। कितने बच्चों का नॉर्थ वेस्ट आया था, कितने बच्चों का आंसर नॉर्थ वेस्ट आया था जल्दी से बताएं, हाउ मेनी ऑफ यू हैव फाइंड द आंसर नॉर्थ वेस्ट, कितने बच्चों का नॉर्थ वेस्ट आया था, गलत हुआ था पीयूष, मेहनत करने का जरूरत है, ठीक है मेहनत करो थोड़ा, ठीक है मेहनत करो, क्वेश्चन लगाओ, कम से कम आज ही 10 से 15 क्वेश्चन लगा लो, 10 से 15 क्वेश्चन सॉल्व कर लो, सीख जाओगे, ठीक है। तो क्लियर है सभी बच्चों को ये क्वेश्चन, क्या ये क्वेश्चन समझ में आया क्या आप लोगों को, जल्दी से बताओ क्या सभी बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आया, क्लियर? बस दो बच्चे को समझ में आया, बाकी बच्चे क्या है, बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं भाई? देखो विशाखा ने आंसर भी भेज दिया है, विशाखा स्वामी ने आंसर भी भेज दिया है, काफी बेहतरीन बेहतरीन, बहुत अच्छे से आप पढ़ रहे हैं, इसी तरीके से पढ़ाई कीजिए, गलती कर दिए हो आपको विशाखा जी, विशाखा जी आपने गलती कर दिया ना, क्लियर है समझ में आ गया? अब समझ में आया विशाखा आपको, शांतनु, आकाश, बोलो बोलो जल्दी से बोलो, जो भी बच्चे प्रेजेंट हो बोलो, आई डिडंट ऑब्जर्व मीन हैंड इन क्वेश्चन सर, अच्छा तो ऑब्जर्व तो करना था ना बच्चा, चलिए। लोता भट्ट, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड द हिंदी लैंग्वेज, आर यू कंफर्टेबल इन हिंदी? लोताबाथ नागार्जुन नायक, आर यू कंफर्टेबल इन हिंदी? हाउ मेनी ऑफ यू आर फ्रॉम द साउथ इंडिया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, ये क्वेश्चन सही आना चाहिए, विकास यू आर फ्रॉम साउथ, अच्छा सॉल्व दिस क्वेश्चन, सॉल्व दिस क्वेश्चन, कुछ बच्चे साउथ बता रहे हैं, कुछ साउथ ईस्ट बता रहे हैं, देखते हैं कि क्या आंसर आएगा। अच्छा कुमुदकांत वेस्ट बता रहे हैं, मनीष वर्मा वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, मतलब सभी बच्चों का अलग अलग आंसर आएगा क्या भाई? सारे स्टूडेंट्स का अलग अलग आंसर कैसे हो सकता है, कोई एक क्वेश्चन का 5-6 आंसर कैसे हो सकता है, एक क्वेश्चन का तो एक ही आंसर होना चाहिए कायदे से, एक क्वेश्चन का तो एक ही आंसर होना चाहिए ना, 5 आंसर कैसे आ रहा है आप लोगों का?
ठीक है। अब चलो मतलब कितना भी पढ़ाऊँ आप लोग सीखते नहीं हो ना, मतलब इतना पढ़ा देता हूँ तब भी सीखते नहीं हो। अब देखो क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। ए क्लॉक रीड्स 10:30 इन द आवर हैंड्स इफ द आवर हैंड शोज नॉर्थ ईस्ट। तो चलो क्लॉक के पास चलते हैं, क्लॉक के पास चलते हैं। क्लॉक अभी तो 10 बज रहा है ना क्लॉक में, चलो ठीक है। अब 10:30 की बात करते हैं, तो ये पहले क्लॉक जो बना हुआ है इसको मिटा दो, पहले ये पूरा क्लॉक को हम हटा दिए। 10:30 बताओ बच्चा कहाँ हो रहा होगा। 10:30 की अगर बात करें तो 10:30 में मतलब जो आपका आवर हैंड है वो कहाँ पे होगा, मतलब मिनट हैंड तो यहीं पे होगा, मिनट हैंड यहाँ पे होगा। और जो आवर हैंड की बात करेंगे, आवर हैंड आपका बच्चा किधर होगा, 10 किधर गया, 10:30 पे आवर हैंड कुछ इस तरह का दिखेगा। ये दिख गया, कोई दिक्कत। अब देखो क्या दिया गया है तुमको, ये पहले पढ़ो। 10:30 पे जो तुम्हें क्या दिया गया है, 10:30 पे आवर हैंड का डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट है, आवर हैंड का डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट है, ठीक है, आवर हैंड का डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट है। आज इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट भी है, सुन लेना। आवर हैंड का डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट है, तो हमने क्या किया, इसके सामने लिख दिया, हमने बोला तुम नॉर्थ ईस्ट हो, तुम नॉर्थ ईस्ट हो, ठीक है, तुम असम हो, ठीक है, तुम मणिपुर हो, तुम मिजोरम हो, ठीक है, तुम नॉर्थ ईस्ट हो, ठीक है, ये नॉर्थ ईस्ट हो गया। अब देखो नॉर्थ ईस्ट हो गया, इसके अब हम परपेंडिकुलर डायरेक्शन बनाएंगे, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन बनाएंगे, कहाँ कहाँ डायरेक्शन बनाएंगे भाई, इसी के लाइन में जोड़ते हुए एक डायरेक्शन बन गया, ऐसा बनेगा ना बच्चा, ऐसा इसी के परपेंडिकुलर आपको डायरेक्शन दिखेगा, कैसा, इसी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन दिखेगा ऐसा, ये तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन दिखेगा ना भाई, ऐसा ये सब ऐसा दिखेगा, दिखेगा कि नहीं दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा सर। अब कुछ डायरेक्शंस ऐसा होगा सर, ऐसा होगा, ऐसा भी तो होगा सर, कुछ डायरेक्शंस ऐसा होगा। आपने 8 डायरेक्शन बना दिया क्या, आपने टोटल 8 डायरेक्शन बना दिया, बिल्कुल बना दिए सर। अब देखिएगा सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, तो ध्यान दीजिएगा। ये बच्चा नॉर्थ ईस्ट है, और पहले आप इधर NESW लिख लो, NESW, ठीक है। एक बच्चा था, मुझे ध्यान आ रहा है, ब्लेड, उसका नाम था ब्लेड, और वो मेरे क्लास में जब भी आता था तो हमेशा लिखता था NESW, ठीक है, हमेशा क्लास में एंट्री करता था और NESW, ठीक है, उसे NESW से बहुत मोहब्बत हो गया था। तो आप लोगों को भी मोहब्बत हो जाना चाहिए किससे, NESW से, प्यार हो जाना चाहिए। अब देखिए ये नॉर्थ ईस्ट है, हाँ ठीक है, ये नॉर्थ ईस्ट है, तो हमारा ये नॉर्थ होगा और तब तो ईस्ट आएगा। अगर मैं ऐसा लिख दूँ तो किसी बच्चों को ऑब्जेक्शन है क्या, और इसको साउथ लिख देंगे और इसको वेस्ट लिख देंगे, तो कोई बच्चा मुझे ऑब्जेक्शन करेगा तो बोल दो कि सर ऑब्जेक्शन है सर, इसको साउथ ईस्ट लिख देंगे, इसको साउथ वेस्ट लिख देंगे, इसको नॉर्थ वेस्ट लिख देंगे। पूछा क्या गया है बच्चा, जाओ देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, पूछा है 7:15 में मिनट हैंड क्या होगा, 7:15 में मिनट हैंड कहाँ होगा। तो देखो 7:15 कहाँ है, 7 यहाँ होगा, 15 यहाँ होगा, 15 मिनट हैंड किधर है, 15 मिनट हैंड कहाँ है, देखो मिनट हैंड किधर है, साउथ में है, मिनट हैंड क्या साउथ में है, बोलो बोलो 7:15 में मिनट हैंड किधर होगा, यही तो पूछा गया है। मिनट हैंड आपका यही तो रहेगा 15 पे, और 7 पे आपका कुछ इस तरह का रहेगा, 7:15 पे अगर आवर हैंड का पूछता तो आवर हैंड बोल सकते थे आप नॉर्थ वेस्ट में होता अप्रोक्सीमेट, लेकिन मिनट हैंड तो यही होगा ना बच्चा। मजा आया क्या। अब एंगल हम सिखाएंगे, एंगल आपको सिखाएंगे, आप उसकी टेंशन नहीं लें कि एंगल कैसे पढ़ते हैं, तो उसके बारे में भी सिखाएंगे। तो एक बात मुझे बताइएगा कि कितने बच्चों का लास्ट क्वेश्चन सही था, कितने बच्चों का लास्ट क्वेश्चन सही था मुझे पढ़ बताओ, कितने बच्चों का लास्ट क्वेश्चन सही था। कुमुदकांत, आकाश, आकाश आपका सही था या नहीं था बताइए, सही था। स्नेहा मिस्टेक कर दिए, अच्छा चलिए। अब देखते हैं किसी बच्चे ने कुछ सोल्यूशन सेंड किया है, तो एक बात मुझे बताएं आप लोग, राज की बात बताओ कैसा लगा आज का सेशन, बता देखो इतना ही डायरेक्शन था, डायरेक्शन इतना ही था, तो कैसा लगा सेशन, मजा आया, मजा मा मजेदार मजेदार, कैसा लगा बताओ। देखो अब कोई आपको फालतू का 3 घंटे में पढ़ाए, 5 घंटे में पढ़ाए, टॉपिक पढ़ना तो इतना ही है भाई, पढ़ना तो इतना ही है। तो शानदार, लाजवाब, जबरदस्त, जिंदाबाद, ठीक है, मतलब ये सेशंस मजेदार लगा सर। अगेन आई गिव एन आंसर एज आवर हैंड्स, कोई बात नहीं, लोताबेश। सभी बच्चे, जितने भी बच्चे प्रेजेंट हैं, एक बार आप जरूर बता दें कि ये सेशंस अच्छे से समझ में आया है,
एक बार मैं आपको फर्स्ट स्लाइड से लास्ट स्लाइड तक दिखा देता हूँ कि आज मैंने क्या सब पढ़ाया। रंजन सक्सेना, क्या क्लियर है क्या? कुमुद कान, तुम तो बहुत लेट से ज्वाइन किए हो, तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे? अभी वाली गाड़ी से घर को निकल जाओगे? हाँ, क्या हुआ? थैंक यू। चलिए तो अब देखते हैं, पहले हमें सर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर कमिंग इन एग्जाम क्या? यस बंसिखा जी, ठीक है बंसिखा जी, ये सारे क्वेश्चंस जो एग्जाम में ही आते हैं। अब देखिए एक मिनट में आपको आज बता देता हूँ कि क्या सब मैंने पढ़ाया है, क्या सब मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, वो आप एक बार देख लीजिए। ठीक है, आज जो है पूरे क्लास में इसका स्लाइड आप लोग डाउनलोड करके अच्छे से रखिएगा और अपना नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए आज जो हम स्टार्ट किए हैं कंसेप्चुअल मैराथन सेशन, ये जो कंसेप्चुअल मैराथन सेशन था विद पीवाईक्यूज भी आपको लिखा हुआ है। अब आपको होमवर्क ये है कि जितने भी पीवाईक्यूज हैं, जितने भी प्रीवियस ईयर आए हैं डायरेक्शन से, गेट ईएससी में और भी आसान आते हैं। आपका ड्यूटी यही है कि जितने भी पीवाईक्यूज आए हुए हैं वो बना लेना है। अगर आप बोलोगे कि सर हमें पीवाईक्यूज पता ही नहीं चलता है कि डायरेक्शन का कौन है, तो हम दे देंगे, आप टेंशन मत लीजिए, हम क्वेश्चंस बुकलेट आपको दे देंगे, क्वेश्चंस सेट दे देंगे, जो मैं प्लस पे पढ़ाता हूँ वो आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, आप उसकी टेंशन मत लो। तो कंसेप्चुअल मैराथन सेशन जो था आपका, ये आज कंप्लीट होता है। अब आगे का अनाउंसमेंट सुनो क्या सब है। तो पहले जो पढ़ाए हैं वो देख लो एक एक करके कि क्या सब पढ़ाया गया है। तो आज हम डायरेक्शन टॉपिक आपको पढ़ाए, डायरेक्शन टॉपिक जो कि गेट और ईएससी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, वो मैंने आप लोगों को पढ़ाया। देखिए उसके बाद NESW कॉन्सेप्ट्स बताया। NESW क्या था? क्लॉकवाइज वाला कॉन्सेप्ट था, ये मैंने बताया। उसके बाद LR कॉन्सेप्ट्स बताया, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। देखिए LR में बच्चे गलती क्या करते हैं, जब आप ऐसा जा रहे हो ना, जब ऐसे जा रहे हो सब आउटवर्ड्स है, तो आप LR लगाया करो, LR लगाया करो। जब कभी भी कोई पॉइंट्स पे, मतलब कोई भी मान लो ये सर्कुलर टेबल है, सर्कुलर टेबल पे सभी बच्चे बैठते हैं तो ऐसे बैठते हैं ना, इनवर्ड्स बैठते हैं, तो यहाँ कन्फ्यूज नहीं करना है कि ये नॉर्थ हो गया तो यहाँ LR, ऐसा नहीं, डायरेक्ट RL लिखो ना भाई, RL लिखो। जब कहीं पे कोई सर्कुलर मीटिंग पे रहे ना, ऐसे लिख दिया करो RL इनवर्ड्स, मतलब सब 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 जगह, सब एक जगह मिल रहे हैं, तो RL लिख लो क्लॉक वाइज। हमेशा ये देखना ऐसा, जैसे LR में लिखता हूँ, कभी भी कन्फ्यूजन हो ना, जैसे मान लो ऐसे तुम लाइन लिख दियो, अब तुमको कन्फ्यूजन हो रहा है कि L लिखें R लिखें, ये होगा या ऐसा होगा, तो क्या किया करो, कभी भी कन्फ्यूज होता हो, आप कन्फ्यूजन में रहो, तो L से R घूमने की कोशिश करो। तो ये देखो और ये भी R, ये देखो, तो क्लॉक वाइज हमेशा जाना है। मतलब अगर हम यहाँ पे देखो L से R जाएंगे तो ऐसा जाएंगे, तो ये तो एंटी क्लॉक वाइज हो गया ना, ये क्लॉक वाइज हो गया, तो ये मेरा सही है। मतलब L से R हमको हमेशा क्लॉक वाइज, देखो यहाँ क्लॉक वाइज, क्लॉक वाइज, क्लॉक वाइज, क्लॉक वाइज, ठीक है, ऐसे जाना है। इजीली आप बोलोगे कि सर हम ऐसे चल जाएंगे, तो वो तो तुम बेवकूफ होता। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, LR लिखा दो, LR कॉन्सेप्ट बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। उसके बाद आपको मैंने सारा चीज पढ़ाया था, ये सब चीज पढ़ाया था, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस करवाए थे, क्वेश्चंस हमारा हो गया था। उसके बाद क्वेश्चंस जब हम सॉल्व किए थे तो ये सब चीज आपको एक्सप्लेन किए थे। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस करवाए थे आपको इस तरह का, ये सब क्वेश्चंस आप लोग अगर जो बच्चे लेट से ज्वाइन किए हैं तो ये सब क्वेश्चंस बना लीजिएगा। ये UPSC का क्वेश्चंस था, काफी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये सब आप एक बार देख लेना। सन शैडो प्रॉब्लम आपको पढ़ाया गया, सन शैडो प्रॉब्लम भी काफी बेहतरीन क्वेश्चंस था, उसमें भी दो तीन क्वेश्चंस किए हैं। उसके बाद हम लोग क्या किए हैं, क्लॉक के क्वेश्चंस किए हैं। अब देखिए आगे का हम आपको शेड्यूल बता देते हैं कि हमारा जो नेक्स्ट शेड्यूल आने वाला मंथ में है क्या है इस मंथ में। तो एक तो 12 तारीख को, मार्क दिस डेट, 12 तारीख को मैं आप लोगों को नंबर सिस्टम पढ़ाऊंगा। ठीक है, ये डेट को मार्क कर लें आप अपने कैलेंडर में, 12 तारीख 3 से 6, टाइमिंग यही रहेगा 12 तारीख को 3 से 6, मतलब अगले मंडे को, अगले मंडे को भी हमारा मैराथन सेशन होगा 3 PM to 6 PM। और इसमें हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे 3 PM to 6 PM 12 तारीख को, तो हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। और ये टॉपिक भी आपके गेट के लिए, ESC के लिए, SSC JEE के लिए, जो भी आप एग्जाम देते हैं, ये टॉपिक तो डायरेक्शन से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो नंबर सिस्टम, मार्क द डेट, और कोशिश करेंगे उस वो जो सेशन होगा वो 3 घंटे का होगा, और मैं कोशिश करूँगा कि 3 घंटे में आपको हर चीज़ों को पढ़ा दिया जाए। अब सुनिए, कल जो क्लास है उसके बारे में भी मैं अनाउंसमेंट दे देता हूँ। आपको क्या करना है, आप टेलीग्राम चैनल पे अगर ज्वाइन है @AmanRajSir, ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे नहीं है तो जल्दी से ज्वाइन कर लें। अगर आपको दिक्कत होता है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने में, व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं हो आप, तो इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो। वेस्ट मिनट है संजीव, आप पीछे चल रहे हैं, तो आप इस नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, किसी भी प्रकार की दिक्कतें होगी तो।
कल के क्लास के बारे में बता देता हूँ, कल 6 अक्टूबर को हमारा क्लास है, 2 घंटे का क्लास होगा और आपका कंसेप्चुअल सेशन ऑन कैलेंडर है। कैलेंडर हम लोग 2 घंटे में पूरा पढ़ेंगे, ठीक है, पूरा का पूरा कैलेंडर कल हम लोग 2 घंटे में पढ़ने वाले हैं। इज इट क्लियर? कंसेप्चुअल सेशन कैलेंडर का है, उसके बाद आपका कोई भी स्पेशल क्लास इस मंथ तो अभी नहीं है, बाकी स्पेशल क्लास जो भी अनाउंस किया जाएगा तो हम आपको बता देंगे, अनाउंसमेंट जो भी होगा वो आपको बता दिया जाएगा। 6 अक्टूबर को है, ठीक है, टाइमिंग आपका इसका आप लोग से पोल करवा लेता हूँ, अगर आप लोग चाहते हैं, अगर आप लोग चाहते हैं, नंबर क्लियरली नहीं लिखा है, नंबर को मैं क्लियरली लिख देता हूँ, ठीक है, अगर आप एक बार मैसेज कर दिया करो, और कोई भी इम्पोर्टेंट हो तो मैसेज करें, ठीक है, बार बार मैसेज मत किया करें, ठीक है, तो ये है कॉन्टेक्ट नंबर, कभी भी कोई दिक्कत हो तब मैसेज कर देना है, ठीक है, ये है कॉन्टेक्ट नंबर। अब देखिए बच्चों, अगर आप चाहते हो, अगर आप ये चाहते हो कि टाइमिंग के बारे में अगर आप चाहते हैं, टाइमिंग आप क्या चाह रहे हो, 3 PM to 6 PM रखा जाए, मतलब 3 to 5 रखें, या आपका ये तो वैसे ऑफिशियली आपका 10 से 12 है, 10 से 12 रात में है, 12 AM हो जाएगा और ये PM में है, ठीक है, 10 PM to 12 AM या कौन सा, ए और बी में आपको पोल करना है, पोल में जल्दी से बता दीजिए कौन से ऑप्शन में आप पढ़ना चाह रहे हैं, ए और बी में क्या पढ़ना चाह रहे हो, किस ऑप्शंस में, तो जिसका मैक्सिमम परसेंटेज होगा हम उसको करेंगे। बस आपको रेगुलरली क्लासेस फॉलो करना है और हम कोशिश बच्चों यही करेंगे कि आपको SSC JEE के एग्जाम से पहले, UPSC के एग्जाम से पहले हर टॉपिक को अच्छे से पढ़ा दिया जाए, जो कि आपको गेट में भी हेल्प करेगा, ESC में भी हेल्प करेगा, सब जगह हेल्प करेगा, ठीक है, गेट ESC सभी जगह हेल्प करेगा। तो मैक्सिमम बच्चे 3 से 5 वाले टाइमिंग में कंफर्टेबल हैं, तो कल जो है हम लोग कैलेंडर पढ़ेंगे, और कैलेंडर में पता है क्या पढ़ाऊंगा मैं, कैलेंडर में आज ही पढ़ा देता हूं कि मेरे गाड़ी का नंबर क्या है, पता है तुम लोगों को, पता है पीयूष, पता है कि नहीं पता है, 5310 ये गाड़ी का मेरा नंबर है, और ये गाड़ी का नंबर कल याद करके आना, पूछेंगे कल पूछेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो ये नंबर सभी बच्चों को याद होना चाहिए, क्या, 5310, ये नंबर याद कर दो, कैलेंडर में कल मैं पढ़ाऊंगा इस नंबर को, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है ये, कल बेहतरीन तरीके से कैलेंडर पढ़ेंगे। कल तुम कैलेंडर पढ़ने के बाद ये भी बता पाओगे कि तुम्हारी जो पहली मुलाकात हुई थी वो किस दिन हुई थी, वो सोमवार को हुई थी या मंगलवार को हुई थी या बुधवार को हुई थी, वो भी बता पाओगे, ठीक है, तो कल का सेशन जो है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, तो कल के सेशंस को आप लोग मिस मत करें, ठीक है, मार्क द डेट, कल के सेशंस को आपको मिस नहीं करना है। आप जो जन्म लिए थे तो वो कौन सा दिन था वो भी बता पाओगे, कैलेंडर पढ़ लोगे तो, ठीक है, समझ में आया या नहीं आया, और फ्यूचर वाला भी डेट आप बता पाओगे, डे बता पाओगे। इज इट क्लियर टू एवरीवन, सभी बच्चों को समझ में आया क्या, क्योंकि हाँ, किससे मुलाकात सर, ये भी हाँ, किससे मुलाकात, ये तो आप बताओगे ना कि किससे मुलाकात हुई थी या नहीं हुई थी, ठीक है, लेकिन कब मुलाकात हुई थी ये तो हम बता देंगे, ठीक है, कब मुलाकात हुई थी, किस दिन हुई थी ये हम बता देंगे, ठीक है, चलिए, तो ये सब क्लियर है। अब देखिए बच्चों, आपको क्या करना है, अगर आप चाहते हैं कि मेरे द्वारा जो भी क्लासेस कंडक्ट किया जाता है, आप कोई भी क्लास मिस नहीं करना चाहते हो, तो आपको क्या करना है, अनअकैडमी एप्लीकेशन पे जाना है, वहाँ पे फॉलो करना है अमन राज, और आपको सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन आ जाएगा। दूसरी बात यह है आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट कि अनअकैडमी पे प्राइस हाइक होने वाला है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर बोला तो जा रहा है कि हाइक होगा, लेकिन सर अभी तक हुआ नहीं है, तो ये कन्फर्म न्यूज है, ठीक है, इनसाइड न्यूज में बता रहा हूँ, और ऑलमोस्ट आप बहुत सारे टीचर से भी सुन चुके होंगे, तो प्राइस हाइक होगा, ठीक है, तो इसीलिए अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं इसी प्राइस पे, अभी जो प्राइस है अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन का इसी प्राइस पे, तो अभी के अभी सब्सक्रिप्शन ले लो, ठीक है, ये प्राइस बढ़ जाएगा तो यही कंटेंट आपको ज़्यादा पैसे में मिलेगा, ठीक है, तो कोशिश करें जितना जल्दी हो सकता है आप सब्सक्रिप्शन ले लें और अपना पढ़ाई कंटिन्यू ले लो। देखो एश्योरिटी तो हम आपको देते हैं कि अनअकैडमी जैसा प्लेटफॉर्म अभी इंडिया में कोई नहीं है गेट ESC के लिए या कोई भी चीज़ों के लिए, ठीक है, अनअकैडमी इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म। यहाँ पे क्या है कि आपको बहुत सारे फैकल्टी से पढ़ने का मौका है, जो बच्चे आपके दोस्त हो, आपके नेबर हो, किसी ने अगर किसी अदर इंस्टीट्यूट का या किसी का भी सब्सक्रिप्शन लिया हो तो आप उनसे पूछ सकते हो। यहाँ क्या है कि आप कोई भी सेशंस को अनलिमिटेड टाइम देख सकते हो, जितने टाइम देखना चाहते हो उतने टाइम देखो, कोई दिक्कत नहीं है, और इंडिया के सारे टॉप मोस्ट फैकल्टी आपको अनअकैडमी पे हैं। आपको किसी से समझ में नहीं आता है दूसरे टीचर से पढ़ लीजिए, ठीक है, तो ये सारे फीचर्स हैं अनअकैडमी के, और सारे फीचर्स आपको मिलेंगे। 2 तरह के सब्सक्रिप्शन भी है, एक प्लस सब्सक्रिप्शन है, एक नॉर्मल कहते हैं, एक आइकॉनिक बोलते हैं। तो जो बच्चे थर्ड ईयर, सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर में हैं,
तो उनको तो मैं कहता हूँ कि आप आइकोनिक के लिए जाओ। आइकोनिक में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपको कुछ पढ़ना है, आप पूछते हैं टीचर से कि सर ये टॉपिक कैसे पढ़ें, ये क्या करें, टेस्ट कब दें, टेस्ट कब नहीं देना चाहिए, तो आइकोनिक में क्या है आपको सारा चीज़ बताया जाएगा, आपको पर्सनल एक मेंटर दिया जाएगा, मेंटर आपको वीकली बेसिस पे गाइड करेंगे कि कौन सा टॉपिक कब पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, उसका रिविजन कैसे करना चाहिए, नोट्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो इन सभी चीज़ों का बेनिफिट्स आइकोनिक में है। प्लस में क्या है, जो पहले पढ़ चुके हैं, जिन्होंने पहले पढ़ लिया है एक बार और जो रिपीटर है, तो उनके लिए प्लस ठीक है, मतलब प्लस आपके लिए बेहतरीन है। प्लस पे तो जो मिलता है अभी वो तो मिलेगा ही, आइकोनिक में बस एक पर्सनल गाइडेंस मिलेगा। मतलब पर्सनल गाइडेंस की अगर आपको ज़रूरत है, आप चाहते हो कि नहीं हमें कोई गाइड करता रहे, मोटिवेट करे हमेशा, जिससे आप कोई भी चीज़ों को डिस्कस कर सकते हो, तो उसके लिए आइकोनिक है। और थोड़ा इससे ज़्यादा बेनिफिट है आइकोनिक से, आइकोनिक में ज़्यादा बेनिफिट है। तो आपको कोड कौन सा यूज करना है, अमन राज ESE। अगर इस कोड को यूज करते हैं तो जो भी गाइडेंस चाहिए हमारे तरफ से सब मिलेगा। मैं आपको पहले बता देता हूं, मैं आपको GS का 2-3 सब्जेक्ट्स पढ़ाऊंगा, साथ ही साथ मैथ FT गेट के लिए 30 मार्क्स, बिल्कुल इसके लिए टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। 30 मार्क में आप 25 प्लस आराम से स्कोर कीजिएगा, 28-29 मार्क्स में आप आराम से इतना स्कोर करोगे, ठीक है, 25 के प्रॉक्स, इसीलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अच्छे से पढ़िए। और हम जो अभी सीरीज स्टार्ट किए हैं अक्टूबर में, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, मैं कोशिश करूंगा कि स्पेशल क्लास में भी आपको सारा कंटेंट हम दोबारा प्रोवाइड कर दें, तो बस स्पेशल क्लास भी आप मिस मत कीजिए, थोड़ा वेट करना पड़ेगा, लेकिन स्पेशल में भी हम कोशिश करेंगे कि आपको सारा चीज़ प्रोवाइड करें, ठीक है। तो ये सारी बातें हो गई, कल की क्लासेस के बारे में भी मैंने बता दिया। अब बताइए किसी बच्चों को क्या डाउट था, किसी बच्चे को अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, अगर आपका कोई पर्सनल डाउट हो तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, अगर कोई नॉर्मल डाउट हो मतलब सबके लिए कॉमन डाउट है तो वो मुझे बताइए और मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ, अगर कोई कॉमन डाउट है तो आप मुझे बता सकते हो। सब्सक्रिप्शन के रिगार्डिंग या कोई भी डाउट्स हो तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है, आप अपना क्रेडिट भी यूज कर सकते हो। जल्दी से बताओ, मैं 1-2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, आज जो पढ़ाया हूँ या कोई भी किसी भी तरह का डाउट है तो उसमें अगर कोई भी डाउट है तो आप पूछिए, जल्दी से पूछिए। और अगर समझ में आता है सेशन तो आपको क्या करना है, लाइक जरूर करना है और फीडबैक जरूर लिखना है। किसी बच्चे को कोई डाउट है तो जल्दी से बताएं, 1 मिनट का टाइम है आपके पास, मैं वेट कर रहा हूं, जल्दी से बताओ अगर किसी बच्चे का कोई डाउट है तो बताएं। जल्दी से बताइए, किसी स्टूडेंट्स को कोई डाउट भी है आज के सेशंस में, आज के सेशंस में किसी भी स्टूडेंट्स को कोई डाउट भी है तो बोलो जल्दी से भाई। सेशन समझ में आया हो तो आप एक बार जरूर फीडबैक में लिख दीजिएगा, आप फीडबैक में जरूर लिखिएगा। नहीं है, चलिए रंजन आपको नहीं है, लेकिन और किसी बच्चे को अगर है तो बताने दीजिए। चलिए, एक बच्चे पूछ रहे थे ना कि आज उनका पहला क्लास है। चलिए पीयूष क्लियर है, स्नेहा सभी बच्चों को क्लियर है ना, तो कल का टाइमिंग आप लोग नोट कर लें, कल भी हमारी मुलाकात होगी 3 PM to 5 PM, ठीक है, और आपको उसका नोटिफिकेशन चला जाएगा। चलिए तो हम इस सेशन को एंड कर रहे हैं और आई होप आप लोग आज के सेशंस को काफ़ी इंजॉय किए होंगे, चीज़ों को सीखे होंगे और अब आगे आप इस टॉपिक में कॉन्फिडेंट हो गए होंगे, आप कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली बना पाओगे, मुझे इतना तो भरोसा है, ठीक है, कि अब आपको कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो थोड़ा सा पढ़िए, मन लगा के पढ़ें और चीज़ों को सीखें, कहीं कोई दिक्कत होता है तो टीचर के हमेशा कंसल्ट में रहें। चलिए ऑल द बेस्ट, टाटा बाय बाय एंड जय हिंद। चलिए।